Hello, sirs. Welcome. Good morning या गुड आफ्टरनून. आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड. तो सिर्स इस क्लास में हमने क्या करना है, हमने पूरे हफ्ते की फुल वीक रिवीजन करनी है सिर्स. तो फुल वीक करंट अफेयर रिवीजन क्वेश्चन आंसर्स फॉर्मेट. तो सिर्स ये क्लास हमारी प्योर क्वेश्चन आंसर्स फॉर्मेट की क्लास है. हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि ये जो पूरा वीक है, मतलब कि मंडे से लेके संडे तक का, इस पूरे वीक के स्टूडेंट्स रिवीजन कर लेंगे. एक ही क्लास में आपका पूरा हफ्ता रिवाइज हो जाएगा और प्योर क्वेश्चन आंसर्स फॉर्मेट की क्लास होने वाली है. ठीक है स्टूडेंट्स, इस क्लास के टोटल होंगे 6 पार्ट्स. 6 पार्ट्स में इस क्लास को रखा जाएगा और हर एक पार्ट में 14 क्वेश्चन होंगे, 14 क्वेश्चन. ठीक है, ये जो 14 क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इनको भी मैंने बाइफरकेट किया हुआ है. जैसे 14 में से पहले 2 क्वेश्चन होंगे हर जगह स्टैटिक अफेयर्स के, अगले 8 क्वेश्चन होंगे हर जगह करंट अफेयर्स के, अगले 2 क्वेश्चन होंगे सोशल स्टडीज़ के, और आखिरी के 2 क्वेश्चन होंगे स्टूडेंट्स फाइनेंस और बैंकिंग. इससे क्या होगा कि सारे सेक्शन, सारे सब्जेक्ट जहाँ से आपसे एग्जाम एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, सारे मैं यहाँ पे कवर करूँगा. स्टैटिक भी, करंट भी, सोशल स्टडीज़ भी, और फाइनेंस और बैंकिंग. ठीक है, हेलो नबील, वेलकम, गुड आफ्टरनून. ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लास का जो स्ट्रक्चर है वो समझ में आ चुका है. एक बार मैं जल्दी से क्लास की ऑडियो वीडियो चेक कर लूँ. सारे सेक्शन ठीक है सर, तो मेरी तरफ से तो क्लास की ऑडियो वीडियो बिल्कुल ठीक है. शुरू करते हैं अपनी स्टूडेंट्स क्लास को. तो फुल वीक करंट से रिवीजन क्लास हम यहाँ पे शुरू करने जा रहे हैं. सबसे पहले स्टूडेंट्स बात कर लेते हैं मेरे बारे में. मेरा नाम है अभिनव जोशी. 3 साल से भी ज़्यादा टाइम से मैं स्टूडेंट्स को करंट अफेयर, स्टैटिक अफेयर्स और बैंकिंग अफेयर्स की तैयारी करवा रहा हूँ. वेरियस गवर्नमेंट एग्जाम्स के स्टूडेंट्स अन अकेडमी प्लेटफॉर्म पर 29 सितंबर से नए बैचेस शुरू हो चुके हैं. ये हमारी कंट्री का बेस्ट प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हो. कंट्री के बेस्ट एजुकेटर्स आपको यहाँ पर पढ़ाते हैं. बहुत सारे बैचेस स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए यहाँ पर क्रिएट कर दिए गए, जैसे एडवांस प्रैक्टिस बैच फॉर एसबीआई क्लर्क मेन एग्जाम के लिए यहाँ पर आपके बैच बना दिए गए. उसके अलावा वो सारे बैचेस जो कि आने वाले एग्जाम में स्टूडेंट्स आपकी मदद करेंगे, सारे बैचेस को आप लोगों के लिए क्रिएट कर दिया गया. हर एक बैच जो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर बनाया जाता है उसमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, जैसे पूरा सिलेबस कवर कराया जाए, टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ाएं, पीडीएफ स्टडी मटेरियल दिया जाए, वीकली क्विज मॉक टेस्ट रखा जाए और डेडिकेटेड डाउट किंग सेशन आप लोग रखे. हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, वेलकम. सो आस्क अ डाउट बाय अनअकैडमी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है जिसके थ्रू आप अनअकैडमी के ऐप पे जाके जो भी आपका डाउट है उसके बस पिक्चर क्लिक करो और आपको उसका सोल्यूशन यहाँ पर बहुत ईजिली मिल जाएगा. ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोगों को बैंक कॉम्बेट के बारे में जरूर पता चाहिए. हमारी कंट्री का काफ़ी बड़ा स्कॉलरशिप टेस्ट है, हर संडे इसको रखा जाता है. सिंपली अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर जाओ, कॉम्बेट पर क्लिक करो, रेफर कोड मांगा जाए तो ABHA50 रेफर कोड को यूज़ करके आप अपने आप को इनरोल कर सकते हो. बहुत तरह के रिवॉर्ड्स आप यहाँ पर जीत सकते हो. ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आप लोग कॉम्बोज में इंटरेस्टेड हो तो बैंकिंग SSC कॉम्बो भी आप लोगों के लिए एक्टिव है, RBI नबार्ड कॉम्बो भी बिल्कुल आप लोगों के लिए एक्टिव है. अनअकैडमी प्लेटफॉर्म में स्टूडेंट्स मेरी स्पेशल क्लासेज आती है जिसमें डेली करंट अफेयर, स्पेशल मैथ क्लास, रिवीजन क्लास, बैंकिंग और इकोनॉमी क्लास, बहुत सारी मैं क्लासेस लेता हूँ. उसके अलावा स्टूडेंट्स मेरा प्लस कोर्स भी आता है. प्लस कोर्स में मैं क्या करता हूँ, जैसे अगर आप अक्टूबर का प्लस कोर्स अटेंड करोगे तो पिछले 6 महीने के हिसाब से जो भी वर्ड चीज़ें सब मैं आपको यहाँ पर तैयार करवा दूँगा. ठीक है, आपके अच्छे से रिवीजन हो जाएगी, आप एग्जाम के लिए रेडी हो जाओ. ठीक है स्टूडेंट्स, अनअकैडमी कोर्सेज में आपको मिलता है क्या, डेली लाइव क्लासेस, बहुत ही स्ट्रक्चर कोर्सेज, लाइव टेस्ट और क्विज, उसके अलावा अनलिमिटेड एसेस टू ऑल दी मटेरियल. ठीक है, अगर स्टूडेंट्स आपको स्पेसिफिकली बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी करनी है तो ये ड्यूरेशन के हिसाब से ये प्राइजेस पे आपको बैंकिंग एग्जाम्स की सब्सक्रिप्शन बिल्कुल अवेलेबल हो जाएगी. कोई भी कोर्स परचेज करना हो किसी भी ड्यूरेशन के लिए, रेफरल कोड यूज़ करो ABHA50, एडिशनल 10% ऑफ स्टूडेंट्स बिल्कुल आपको यहाँ से मिल जाएगा. ठीक है स्टूडेंट्स, वी आर ऑल सेट फॉर टुडेज क्लास, लेट्स क्रैक इट. शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास को. हेलो जाला, हेलो राजू, वेलकम, गुड आफ्टरनून. ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको क्लासेस के लिंक्स और क्लासेस की PDF रेगुलरली चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं. टेलीग्राम चैनल का नाम है CA अभिनव जोशी अनअकैडमी. इस टेलीग्राम चैनल पर स्टूडेंट्स क्लासेस के लिंक और क्लासेस की PDF आपको रेगुलरली मिल जाएगी सारी. ठीक है, शुरू करते हैं स्टूडेंट्स अपनी क्लास को. पूरे हफ्ते की करंट अफेयर्स की रिवीजन करते हैं. क्लास के टोटल 6 पार्ट्स होंगे और 84 क्वेश्चन होंगे टोटल क्लास. ठीक है, पार्ट 1, 2 और 3 के बाद एक छोटा सा ब्रेक रखेंगे, उसके बाद पार्ट 4, 5 और 6 को कंटिन्यू करेंगे. ठीक है स्टूडेंट्स, तो शुरू करते हैं आज की क्लास का पार्ट वन का पहला क्वेश्चन स्टैटिक अफेयर्स कैटेगरी का आप लोगों के सामने. स्टूडेंट्स अगर आप लोग चाहो तो साथ के साथ क्वेश्चंस को लाइव चैट में अटेम्प्ट भी कर सकते हो. मैं आप लोगों की लाइव चैट रेगुलर चेक कर रहा हूँ. पहला क्वेश्चन है, नेशनल साइंस डे हमारी कंट्री में ऑब्जर्व किया जाता है किस डेट को. मैंने स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए एक हिंट भी लगा दी. ठीक है, कोशिश करो. इन इंडिया द नेशनल साइंस डे इज़ हेल्ड एवरी ईयर ऑन विच डेट. कब होता है नेशनल साइंस डे. हेलो रजत, वेलकम, गुड आफ्टरनून. 18th ऑफ अप्रैल को, 1st ऑफ मई को, 28th ऑफ फरवरी को या फिर 7th ऑफ जुलाई को. तो
तो स्टूडेंट्स, हमारी कंट्री में नेशनल साइंस डे को ऑब्जर्व किया जाता है ऑन द डेट ऑफ 28 फरवरी, 28 फरवरी को होता है नेशनल साइंस। ठीक है, बिल्कुल सही समझ लेते, बिल्कुल सही नवील, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही सुनैना, बिल्कुल सही। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देख लेते नेशनल साइंस डे इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। देखो स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंस ये है, हमारी कंट्री के एक बहुत ही ग्रेट फिजिसिस्ट जिनका नाम है सर सी वी रमन, ठीक है, इन्होंने असल में खोज की थी रमन इफेक्ट की। रमन इफेक्ट की इन्होंने खोज की थी 28 फरवरी 1928। जो स्टूडेंट्स इनका रमन इफेक्ट है ना, वो लाइट की स्कैटरिंग को समझने में मदद करता है। इसी रमन इफेक्ट की खोज के लिए इनको 1930 में नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स भी दिया गया था। तो बस जिस दिन इन्होंने खोज की थी उसी दिन हम लोग हर साल नेशनल साइंस डे को ऑब्जर्व कर लेते। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, चलते हैं स्टूडेंट्स हमने सेकंड क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन है स्टैटिक अफेयर्स कैटेगरी का आप लोगों के सामने। क्या क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, कि आपको पता है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की कैबिनेट 2.0 है, मतलब पहले प्राइम मिनिस्टर की सरकार आई 2014 से लेकर 2019 तक, फिर 2019 से अभी दूसरा टर्म शुरू हुई। ठीक है, सेकेंड टाइम यहाँ पर एनडीए की सरकार है। आपसे पूछा रहा है, ये जो सेकेंड टाइम सरकार बनी है इसमें अभी के लिए मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज कौन है, कौन संभालता है हमारी कंट्री में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को। सुन मैं आपको बता दूँ, पहले हरसिमरत कौर बादल संभालते थे, हरसिमरत कौर बादल, पर उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था फार्म लॉस के इशू की वजह से जब बीजेपी और अकाली दल का अलायंस टूट गया। अब कौन संभालता है, कोशिश करो बताने की। नरेंद्र सिंह तोमर, पशुपति कुमार पारस, अर्जुन मुंडा या प्रकाश जावड़ेकर, कोशिश करो। हेलो तनु, नमस्कार, वेलकम, गुड इवनिंग, सॉरी गुड आफ्टरनून। ठीक है सुन, तो बिल्कुल से यहाँ पर बता रहे हैं नवील, और बिल्कुल से बता रहे हैं विकास, और बिल्कुल से बता रहे हैं, मैं आपका नाम नहीं पढ़ पा रहा, पवनी शायद। ठीक है सुन, बिल्कुल से आंसर है पशुपति कुमार पारस। तो हरसिमरत कौर बादल पहले संभालते थे जब तक श्रीमणि अकाली दल और एनडीए का अलायंस था, जैसे ही वो अलायंस से बाहर हुए उसके बाद ये पोस्ट खाली हो गई, अब ये पोस्ट संभाल रहे हैं पशुपति कुमार पारस। ठीक है, आगे चलते हैं, चलते हैं स्टूडेंट में थर्ड क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है करंट अफेयर्स कैटेगरी, आपसे पूछा जा रहा है वो कौन सी कंपनी है जो बन जाएगी पहली प्राइवेट कंपनी इंडिया की जो इंडिया में मिलिट्री एयरक्राफ्ट को मैन्युफैक्चर करने जा रही है। विच कंपनी विल बिकम द फर्स्ट प्राइवेट वन टू मैन्युफैक्चर मिलिट्री एयरक्राफ्ट इंडिया। आप सोचोगे मिलिट्री एयरक्राफ्ट तेजस भी तो बनता है इंडिया में, तेजस बनता है, बिल्कुल सही बात है, तेजस भी है, डोनियर भी है, वो भी मिलिट्री एयरक्राफ्ट है, पर इसको बनाता है एचएएल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये सरकारी है। प्राइवेट कंपनी कौन सी बनेगी, टाटा, रिलायंस, ब्रह्मोस या फिर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, कोशिश करो। हेलो स्टेटस बॉय, वेलकम। तो सोर्स इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टाटा। आपको पता होना चाहिए गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा एक डील साइन करी है, मैं आपको ये नहीं बता सकता कितने एयरक्राफ्ट की क्योंकि उस पर भी क्वेश्चन बनाया हुआ आगे। तो गवर्नमेंट ने डील साइन करी है इंडिया की तरफ से टाटा और जो फॉरेन कंपनी है उसका नाम है एयरबस, ये दोनों कंपनीज मिलकर इस डील को पूरा करेंगी। हमको यहाँ पर इस तरह के एयरक्राफ्ट मिलेंगे जो कि ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की, मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट होते हैं, ऐसे एयरक्राफ्ट चाहिए हमको इंडियन एयरफोर्स के। ठीक है, आगे चलते हैं। तो फॉर द फर्स्ट टाइम आर्मी एयरक्राफ्ट टू बी मैन्युफैक्चर्ड बाय ए प्राइवेट कंपनी इंडिया, ये होगी टाटा। ठीक है, आगे चलते हैं सूर्य, बिल्कुल सही, बहुत सारे लोगों ने बिल्कुल सही अटेंड कर दिया। चलते हैं सूर्य हमने चौथे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर करंट अफेयर्स का, ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है 2021 में प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, जिसको सौभाग्य स्कीम भी बुलाते हैं, इसने कितने साल पूरे कर दिए अपने इंसेप्शन, मतलब कितने साल हो गए इसको लागू हुए को। ये जो सूर्य स्कीम है ना, आप देख ही सकते हो इस स्कीम में क्या करते हैं, इंडिया के हर एक घर तक बिजली पहुंचाने का टारगेट है। कोई घर किसी पहाड़ी इलाके में हो, कोई घर बिल्कुल आसपास रिवर्स हो, जहां मर्जी हो वहां बिजली पहुंचाने का टारगेट है। क्या इस स्कीम को आए को 5 साल पूरे हो गए, 3 साल, 4 साल या 7 साल, कोशिश करो। इन 2021 दी प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य स्कीम कम्प्लीटेड हाउ मेनी ईयर्स ऑन इंसेप्शन। हेलो पूर्वी, गुड आफ्टरनून, वेलकम। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है कि इस साल 4 साल पूरे हो चुके हैं स्कीम को आए को। ठीक है, तो अगर आप देखो यहाँ पर पूरा कुछ लिखा हुआ है स्कीम के बारे में, इस स्कीम को लेकर आए थे सितंबर 2017 में और सितंबर 2021 में इसको 4 साल पूरे हो गए। इसमें स्टूडेंट्स अब तक के हिसाब से अगर देखें तो कुछ 2.8 करोड़ घरों तक, सोचो 2.8 करोड़ घरों में कितने लोग रहते होंगे, कम से कम 8-9 करोड़, मतलब अगर एवरेज निकाल दिया तो 8-9 करोड़ लोग रहते होंगे, इंडियंस रहते होंगे, इतने इंडियंस की लाइफ पे इम्पैक्ट डाला है स्कीम ने, तो बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है। ठीक है, आगे चलते हैं, चलते हैं स्टूडेंट्स हमने पांचवें क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है हमारा करंट अफेयर्स कैटेगरी, आपसे पूछा जा रहा है कि हमारी कंट्री में एक मिनिस्ट्री है जिसको बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन,
इसके मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल कौन है? क्योंकि रिसेंटली हमारी कंट्री में इनॉग्रल नेशनल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, उसके जो चीफ गेस्ट थे या फिर जो मेन स्पीकर थे वो थे हमारी कंट्री के मिनिस्टर ऑफ कॉपरेशन। किन की बात की जा रही, कौन है मिनिस्टर ऑफ कॉपरेशन? राजनाथ सिंह जी, नितिन गडकरी जी, जेपी नड्डा जी या अमित शाह जी? कोशिश करो। तो विराट ने सबसे पहले बिल्कुल सही अटेम्प्ट कर दिया है इस क्वेश्चन का आंसर। सुनो, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है कि हमारी कंट्री में हाल ही में एक नई मिनिस्ट्री बनाई गई थी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन। और मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन का काम है कि जो कॉपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं इनको मैनेज करना हमारी कंट्री में। बहुत बहुत बड़ी कोई मिनिस्ट्री नहीं, ठीक है, नॉर्मल सी मिनिस्ट्री बनाई गई और ये दे दी गई संभालने को हमारे जो होम मिनिस्टर मिस्टर अमित शाह, उन्हीं को संभालने को दे दी गई है मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल न्यू मिनिस्ट्री है। आज से कुछ ही हफ्ते पहले जब कैबिनेट रीशफलिंग हुई तब इसको बनाया गया था। आगे चलते, ठीक है, तो यहाँ पे वही सब लिखा हुआ है कि हमारी कंट्री के जो होम मिनिस्टर साथ में कॉपरेशन मिनिस्टर श्री नितिन गडकरी, सॉरी श्री अमित शाह, उन्होंने अटेंड किया नेशनल कॉपरेटिव कॉन्फ्रेंस को जो दिल्ली में रखी गई। ठीक है, आगे चलते चलते हैं स्टूडेंट्स, हम अपने 6वें क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स का आपसे पूछा जा रहा है। एक किताब जिसका नाम है द लॉन्ग गेम, हाउ द चाइनीज नेगोशिएट विद इंडिया, इसके ऑथर कौन है? हु इज़ द ऑथर ऑफ दिस बुक? बिल्कुल विकास, होम मिनिस्टर तो हैं ही अमित शाह हमारे, मिनिस्टर ऑफ कॉपरेशन भी। द बुक टाइटल द लॉन्ग गेम, हाउ द चाइनीज नेगोशिएट विद इंडिया हैज़ बिन रिटन बाय विच ऑथर? सुन, एक जैसे टॉपिक पे ना दो अलग अलग किताबें आई हैं, मैंने दोनों पे एक क्वेश्चन बनाया, एक क्वेश्चन अभी है, एक क्वेश्चन एक दो क्वेश्चनों के बाद फिर से आ जाएगा। ठीक है, तो द बुक टाइटल द लॉन्ग गेम, हाउ द चाइनीज नेगोशिएट विद इंडिया हैज़ बिन रिटन बाय, किसने लिखा है इस किताब को? रवीश कुमार, विजय गोखले, हर्षवर्धन सिंगला या फिर नवतेज सारनाथ? कोशिश करो, यहाँ पर नाम लिखा हुआ था तो मैंने उसको सिर्फ थोड़ा मिटा दिया ताकि आप देख ना सको। स्टूडेंट्स बिल्कुल सही आंसर इस क्वेश्चन का, ऑप्शन भी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही नवीन, विजय गोखले। अभी विजय गोखले है कौन? ये स्टूडेंट्स हमारी कंट्री के फॉर्मर फॉरन सेक्रेटरी रह चुके, मतलब जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है उसके हाईएस्ट रैंकिंग आईएएस ऑफिशियल रह चुके, तो इनको तो बहुत अच्छे से समझ है इंडिया के जो फॉरेन रिलेशन है खासकर चाइना के साथ। तो बस उन्हीं रिलेशंस के ऊपर इन्होंने किताब लिखी है, हाउ द चाइनीज, नहीं सॉरी, द लॉन्ग गेम, हाउ द चाइनीज नेगोशिएट विद इंडिया। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, सुनो, आप देख सकते हो तो इस बुक के कोई ऑथर कौन है? विजय गोखले, विजय गोखले हमारे फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी रह चुके। ठीक है, आगे चलते हैं, चलते हैं सुन सबसे 7वें क्वेश्चन पे, इंपॉर्टेंट डेट्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का, ठीक है, आपसे पूछा आ रहा है कि वर्ल्ड एनवायरमेंटल हेल्थ डे हर साल ऑब्जर्व किया जाता है किस डेट को? कब होता है वर्ल्ड एनवायरमेंटल हेल्थ डे? 23rd of September, 24th of September, 25th of September या फिर 26th of September? कोशिश करो। तो वेन इज द वर्ल्ड एनवायरमेंटल हेल्थ डे ऑब्जर्व एवरी ईयर ग्लोबली? 23, 24, 25 या 26 सितंबर को? तो स्टूडेंट्स का बिल्कुल सही आंसर है, वर्ल्ड एनवायरमेंटल हेल्थ डे हर साल होता है 26 सितंबर को, 26 सितंबर। ठीक है, चलते हैं सुनो, हमने 8वें क्वेश्चन में मैं आपको बता रहा था कि एक और किताब बिल्कुल ऐसे ही सेम टॉपिक पे, इंडिया चाइना रिलेशन पे, इस किताब का नाम है द फ्रैक्चर्ड हिमालय, हाउ द पास्ट शेडो द प्रेजेंट इन इंडिया चाइना रिलेशन। इसमें थोड़ी बात की है इंडिया चाइना के जो पुराने रिलेशन थे, जो वॉर हुई और जो चाइना ने तिब्बत को एनेक्स किया उस टाइम की भी बात की है इस किताब में। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है जो फ्रैक्चर्ड हिमालय किताब है इसको लिखा किसने? सुजाता सिंह, एस जयशंकर, शिव शंकर मेनन, निरुपमा राव? कोशिश करो, इस किताब को किसने लिखा? तो बिल्कुल सही, काफ़ी सारे लोगों ने बिल्कुल सही बता दिया स्टूडेंट, इस बुक के भी ऑथर, इस बुक के जो ऑथर उनका नाम है निरुपमा राव, ये भी फॉरेन सेक्रेटरी रह चुके हैं हमारी कंट्री। ठीक है, तो ये भी फॉरेन, मतलब ऐसे नहीं है ना कि एक ही इंसान फॉरेन सेक्रेटरी टर्म होती है, तो ये भी फॉरेन सेक्रेटरी रह चुके हैं, इन्होंने किताब को लिखा है हाउ द फ्रैक्चर्ड हिमालय, हाउ द पास्ट शेडो द प्रेजेंट इंडिया चाइना रिलेशन। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं, चलते हैं स्टूडेंट्स, हमने 9th क्वेश्चन पे, इंपॉर्टेंट डेट्स का क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स का, ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है इंटरनेशनल डे फॉर द टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन, मतलब न्यूक्लियर वेपन्स को पूरी तरह से खत्म करने के लिए एक दिन रखा गया है कि दुनिया बस अब बस करे, अब न्यूक्लियर वेपन्स को खत्म कर दे। आपसे पूछा रहा है इस दिन को ऑब्जर्व करते हैं किस डेट को? 23rd of September, 24th of September, 26th of September या फिर 25th of September? कोशिश करो। इंटरनेशनल डे फॉर द टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन इज हेल्ड एवरी ईयर ऑन विच डे? तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का सही आंसर है कि एक दिन, जिस दिन दुनिया से अपील की जाती है कि बस अब न्यूक्लियर वेपन का जो इतना बड़ा खतरा है इसको खत्म करो प्लैनेट अर्थ से। ठीक है, कौन कौन सी कंट्रीज के पास न्यूक्लियर वेपन है? यूएसए के पास है, यूके के पास है, इंडिया के पास है, पाकिस्तान के पास है, चाइना के पास है, इसराइल के पास है, नॉर्थ कोरिया के पास है, रशिया के पास है और फ्रांस के पास है।
एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, बस सुन, 9 कंट्रीज अगर मान जाए ना तो दुनिया की न्यूक्लियर वेपन की प्रॉब्लम खत्म हो जाए, सारा पंगा ही खत्म हो जाए। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो सुन बिल्कुल इसी आंसर है वो है असल में ऑप्शन में सी, 26 सितंबर। ठीक है, 26 सितंबर को होता है टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन। आगे चलते हैं, तो इंटरनेशनल डे फॉर द टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन 26 सितंबर। ठीक है, आगे चलते हैं, चलते हैं सुन सब अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन है 10वां। अभी आपको बताया था वर्ल्ड एनवायरमेंटल हेल्थ डे होता है 26 को, वो भी 26 को होता है और ये न्यूक्लियर वाला भी 26 को। आपसे पूछा रहा है इस साल का जो वर्ल्ड एनवायरमेंटल हेल्थ डे था इसका थीम क्या था, व्हाट इज द थीम ऑफ द 2021 वर्ल्ड एनवायरमेंटल हेल्थ डे। प्रायोरिटाइजिंग एनवायरमेंटल हेल्थ फॉर हेल्थियर कम्युनिटीज इन ग्लोबल रिकवरी, एनवायरमेंटल हेल्थ अ की पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन इन डिजीज पैंडेमिक प्रिवेंशन, क्लाइमेट चेंज चैलेंजेस टाइम फॉर ग्लोबल एनवायरमेंटल हेल्थ टू एक्ट इन यूनिसॉन, या ग्लोबल फूड सेफ्टी एंड सस्टेनेबिलिटी। तो सुन, इसका बिल्कुल जो सही आंसर है वो है असल में 2021 में जो वर्ल्ड एनवायरमेंटल हेल्थ डे उसका थीम था, बिल्कुल सही नवीन, प्रायोरिटाइजिंग एनवायरमेंटल हेल्थ फॉर हेल्थियर कम्युनिटीज इन ग्लोबल रिकवरी। ठीक है, चलो तो आप यहाँ देख सकते हो थीम लिखा भी हुआ है, ये रहा। चलते हैं सुन साहब अपने 11वें क्वेश्चन। क्वेश्चन है सोशल स्टडीज़ का, आपसे पूछा जा रहा है कि राजीव गांधी जी एक काफ़ी बड़े लीडर हमारी कंट्री के, यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर इंडिया के, ठीक है, 40 साल की उम्र में हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर बन गए थे। राजीव गांधी जी की डेथ एनिवर्सरी हमारी कंट्री में ऑब्जर्व की जाती है किस तरह, मैं आपको बताऊंगा कौन सी डेट को होती है इनकी डेथ एनिवर्सरी, पर क्या इनकी डेथ एनिवर्सरी को हम लोग नेशनल इंटीग्रेशन डे की तरह ऑब्जर्व करते हैं, पीस डे की तरह, एंटी टेररिज्म डे की तरह, या सेकुलर डे की तरह। कोशिश करो, डेथ एनिवर्सरी डे ऑफ राजीव गांधी जी इज ऑब्जर्व एज नेशनल इंटीग्रेशन डे, पीस डे, एंटी टेररिज्म डे, या फिर सेकुलर डे। तो काफ़ी सारे लोग बिल्कुल सही अटेम्प्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स, राजीव गांधी जी की जो डेथ एनिवर्सरी इसको स्टूडेंट्स हम लोग अपनी कंट्री में ऑब्जर्व करते हैं एज एंटी टेररिज्म डे। एंटी टेररिज्म, उनकी स्टूडेंट्स डेथ हुई कब थी, इनकी डेथ हुई थी जो डेट थी वो थी 21 मई 1991। स्टूडेंट्स इनको असैसिनेट किया गया था, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी उसका नाम था LTT, श्रीलंकन बेस्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी, उन्होंने असल में इनको मारा था, ठीक है, असैसिनेट किया था। अगर आपने एक मूवी नहीं देखी स्टूडेंट्स, मैं आपको रिकमेंड करूंगा वो मूवी ज़रूर देखो, मद्रास कैफे। स्टूडेंट्स ये मूवी है ना मद्रास कैफे, ये आपको बहुत अच्छे से समझा देगी कि श्रीलंका में इशू क्या था, श्रीलंका में एक सिविल वॉर क्यों हुई, इंडिया उस सिविल वॉर में क्यों इन्वॉल्व हुआ, और जो राजीव गांधी जी थे उनकी असैसिनेशन किस तरह से। ठीक है, बहुत ही एक इंटरेस्टिंग मूवी, आपको सारी कहानी समझ में आ जाएगी। हेलो धीरज, वेलकम, गुड आफ्टरनून। चलते हैं स्टूडेंट्स अपने 12वें क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है सोशल स्टडीज़ का, आपसे पूछा जा रहा है स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछा रहा है सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट के हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है, हमारी कंट्री में एक सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है, कोलकाता, कटक, भुवनेश्वर, या गुवाहाटी। कोशिश करो। हेलो एवरीवन, हेलो सुधा, हेलो, कोशिश करो स्टूडेंट्स बताने की सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट के हेडक्वार्टर्स आपको हमारी कंट्री के कौन से शहर में मिलेंगे। स्वप्ना ने, और मैं आपका नाम पवानी बता, आई होप मैं आपका नाम ठीक ले रहा हूँ पवानी, आप दोनों स्टूडेंट्स बिल्कुल सही बता दिया, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है कटक। आप में से अगर स्टूडेंट्स मुझे कोई बता सके जो कटक है ये किस स्टेट में आता है, ये कटक जो सिटी है किस स्टेट में आती है, कोशिश करना बताने की। ठीक है, तब तक मैं आगे चलता हूँ। बिल्कुल विकास, बिल्कुल, तो ICAR नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट आपको मिलेंगे इसके हेडक्वार्टर्स कटक में। कोशिश करना स्टूडेंट्स आप में से कोई बताने की कटक के हेडक्वार्टर्स है कहाँ पर, सॉरी कटक कहाँ पर है, स्टेट बताना। ठीक है, तब तक हम चलते हैं स्टूडेंट्स अपने 13th क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है हमारा फाइनेंस और बैंकिंग, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि बिल्कुल विराट, बिल्कुल उड़ीसा में स्टूडेंट्स कटक। क्वेश्चन है स्टूडेंट्स की एक कंट्री है इसका नाम है डेनमार्क, अगर किसी को डेनमार्क की कैपिटल पता है तो प्लीज़ बताओ क्या कैपिटल है डेनमार्क की। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन है कि कंट्री है उसका नाम है डेनमार्क, इसकी करेंसी क्या है, व्हाट इज द करेंसी ऑफ डेनमार्क, क्रोन, पैसो, बीर, या लारी। ये जो कंट्री है डेनमार्क ये कौन सी करेंसी यूज़ करता है, क्रोन, पैसो, बीर, या लारी, बताना कोशिश करना इसकी करेंसी क्या है, और कैपिटल किसी को बताओ तो कैपिटल चलो आप बता ही सकते हो। बिल्कुल नवीन पटनायक जी सीएम है उड़ीसा के, बिल्कुल कैपिटल है भुवनेश्वर।
ठीक है सुनो, तो असल में डेनमार्क की जो करेंसी है ये होती है क्रोन, और जो मैंने आपसे पूछा है डेनमार्क की कैपिटल, तो सुनो इनकी कैपिटल होती है कोपनहेगन। ठीक है, अगर आपको एक मैप दिखाऊं तो इस मैप में अभी सारा यूरोप देख सकते हो, तो यूरोप में आपको यहाँ पर मिलेगा डेनमार्क, कैपिटल इसकी कोपनहेगन। ठीक है, करेंसी डैनिश क्रोन। आगे चलते हैं, बिल्कुल सुभाष चंद्र बोस जी की बर्थ प्लेस कटक, बिल्कुल सही कुमारी। चलते हैं स्टूडेंट्स अपने 14th क्वेश्चन पे, 14वां क्वेश्चन। क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारा फाइनेंस और बैंकिंग, आपसे पूछा रहा है फिजिकल डेफिसिट। ये फिजिकल डेफिसिट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? इसमें ना मैं आपको सारी स्टेटमेंट नहीं, मतलब मैं पढ़ना नहीं चाहता क्योंकि आपको एक एक पढ़ूंगा समझ नहीं लगेगी, आप आराम से खुद पढ़ो, मुझे बताओ इसमें से आपको क्या सही लग रहा है, फिजिकल डेफिसिट की सही डेफिनेशन क्या लग रही है आपको। मैं आपको पूरा समझाऊंगा फिजिकल डेफिसिट होता क्या है, पर मैं चाहता हूँ पहले आप लोग पढ़ो और मुझे बताओ कि आपको इसके इसमें से सही क्या लग रहा है। मैं सीधे जो सही वाला आंसर है वो पढ़ देता हूँ। तो सुन, जो फिजिकल डेफिसिट ना, फिजिकल डेफिसिट इसका मतलब होता है द डिफरेंस बिटवीन गवर्नमेंट्स टोटल एक्सपेंडिचर एंड इट्स टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरिंग। अब सुन इसका मतलब क्या, मैं आपको भी मतलब समझाता हूँ। देखो मतलब बड़ा ही आसान है फिजिकल डेफिसिट का, कोई बहुत इसमें मुश्किल चीज़ नहीं है। गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट खर्चा करती है, जिसको हम बोलते हैं गवर्नमेंट की स्पेंडिंग। गवर्नमेंट ना हमेशा ज़्यादा खर्चा करती है जितनी गवर्नमेंट की अर्निंग होती है, तो जितना गवर्नमेंट टैक्सेस वगैरह से कमाती है उसके मुकाबले गवर्नमेंट खर्चा हमेशा ज़्यादा करती है। तो खर्चा यहाँ पहुँच गया, अर्निंग अभी यहीं पर ही है, तो बीच का जो फ़र्क है इसको बोलते हैं फिजिकल डेफिसिट। और इसको पूरा कैसे किया जाता है, गवर्नमेंट उधार लेती है, लोन लेती है। ठीक है, आई होप सो ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी है। तो ऑप्शन में बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, आप में से ना हो सकता है कई लोगों की जो क्लास है वो लाइव नहीं चल रही है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कई लोग अभी पुराने क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग सब एक बार चेक कर लो कि जहाँ जिस भी डिवाइस में आप क्लास देख रहे हो, बॉटम लेफ्ट में एक लाइव का बटन है, ठीक है, लाइव का बटन है, उसके साथ एक रेड डॉट है, वो रेड डॉट ऑन होनी चाहिए। अगर वो रेड डॉट ऑन नहीं है तो उस पर क्लिक करो, लाइव के बटन में आप लाइव हो जाओ। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके साथ हमारा पार्ट वन हुआ यहाँ पर ख़त्म, अब हम चलते हैं अपने पार्ट टू पे। पार्ट टू का स्टूडेंट्स पहला क्वेश्चन है स्टैटिक अफेयर्स कैटेगरी। आई नो आप लोगों को ये क्वेश्चन आता है, पर फिर भी कई लोगों को डाउट था तो मैंने चलो इसको डाल दिया। क्वेश्चन है स्टूडेंट्स की थिम्फू, थिम्फू असल में कैपिटल है दिए गए ऑप्शन में से किस कंट्री की। थिम्फू इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री, भूटान, इक्वाडोर, चिले या फिर ब्राज़ील, कोशिश करो। तो सुन दुनिया में एक कंट्री है उसकी कैपिटल है थिम्फू, किस कंट्री, आप देख सकते हो देखने में बहुत सुंदर सी जगह है। ठीक है, भूटान, इक्वाडोर, चिले या फिर ब्राज़ील। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल हमको पता है हमारी बिल्कुल नेबरिंग कंट्री है भूटान, ठीक है, उसकी असल में हम कैपिटल को बुलाते हैं थिम्फू। ठीक है, तो थिम्फू जो है थिम्फू असल में कैपिटल है भूटान की। मैं आपको थोड़ा मैप पे भी दिखा देता हूँ। अगर स्टूडेंट्स आप ये मैप को देखो तो ये रहा इंडिया, और ये भी इंडिया का नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है, यहाँ पर आपको मिल जाएगा भूटान। ठीक है, आप लोगों को स्टूडेंट्स पता होना चाहिए वो जो ढोकलाम, ढोकलाम का इशू हुआ था ना, ढोकलाम असल में इंडिया में नहीं आता, वो भूटान में आता है, यहाँ कहीं आता है ढोकलाम। ठीक है, तो वो इंडियन आर्मी जो एक चाइना के अगेंस्ट स्टैंड ले रही थी वो असल में हम भूटान के लिए ले रहे थे, बहुत अच्छे रिलेशन है भूटान इंडिया के। तो भूटान की कैपिटल थिम्फू, पॉपुलेशन कुछ भी नहीं स्टूडेंट्स, 8 लाख से भी कम की यहाँ की पॉपुलेशन है, और यहाँ पर आज भी मोनार्कल सिस्टम फॉलो किया जाता है। मोनार्की क्या होता है स्टूडेंट, मोनार्की मतलब जहाँ आज भी राजा रानी वाला सिस्टम फॉलो किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं, चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है स्टैटिक अफेयर्स कैटेगरी का आप लोगों के सामने स्टूडेंट्स, पूछा जा रहा है राउंड रेवोल्यूशन असल में हमारी कंट्री में लेकर आया गया था किस चीज़ की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। राउंड रेवोल्यूशन इज रिलेटेड विद इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ पटेटो, एग्स, टमेटो, कोकोनट, कोशिश करो। राउंड रेवोल्यूशन के थ्रू हमने अपनी कंट्री में किस चीज़ की प्रोडक्शन को बढ़ाया। इंडिया में बड़े सारे रेवोल्यूशन आए हैं, वाइट, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, बहुत सारे। राउंड रेवोल्यूशन किस चीज़ से स्पेसिफाइड स्टूडेंट्स, इसका जो बिल्कुल ही सही आंसर है, बहुत सारे लोग बिल्कुल सही बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पोटैटो। तो स्टूडेंट्स असल में आलू, आलू की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए राउंड रेवोल्यूशन हम अपनी कंट्री में लेकर आए थे। ठीक है, तो जो असल में पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो आपको देखने को मिलेगा शिमला में। ठीक है, और जो इसका इम्पैक्ट पड़ा था स्टूडेंट्स राउंड रेवोल्यूशन का, वो उन स्टेट्स में पड़ा था जहाँ पर पोटैटो की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, जैसे यूपी, वेस्ट बंगाल, बिहार, इन सब स्टेट्स में ज़्यादा इसका इम्पैक्ट पड़ा। ठीक है, बिल्कुल वाइट रेवोल्यूशन आया था मिल्क के लिए, बिल्कुल सिल्वर आया था एग के लिए, बिल्कुल सही। चलते हैं स्टूडेंट्स अपने थर्ड क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है करंट अफेयर्स कैटेगरी का, आपसे पूछा जा रहा है, पिंक आया था, अनियन, अनियन लिखा है आपने, पिंक मेरे ख्याल से अनियन के लिए आया था इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। बिल्कुल शिमला के कुफरी में आपको हेडक्वार्टर्स मिलेंगे पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट के, कुफरी मतलब शिमला से थोड़ा ही ऊपर है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन है कि जिनको आप इस पिक्चर में देख रहे हैं इनका नाम है मोइन अली,
इन्होंने रिसेंटली अनाउंस कर दिया कि असल में ये रिटायर हो जाएंगे टेस्ट क्रिकेट से, अभी टेस्ट क्रिकेट खेलना बंद कर देंगे। आपसे पूछा रहे जो मोइन अली हैं ये किस कंट्री के लिए क्रिकेट खेलते हैं, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान या बांग्लादेश, कोशिश करो। आप में से जो लोग क्रिकेट फैन उनको तो बिल्कुल पता होगा स्टूडेंट्स, मोइन अली असल में इंग्लिश प्लेयर हैं, इंग्लैंड के लिए क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है, ऑलराउंडर है इंग्लैंड के, और इन्होंने रिसेंटली अनाउंस कर दिया कि ये टेस्ट क्रिकेट से रिटायर हो रहे हैं। स्टूडेंट्स आज पिछले कुछ दिनों में बहुत सारे क्रिकेटर्स ने अपनी रिटायरमेंट अनाउंस करी, मोइन अली, डेल स्टेन, लसित मलिंगा, स्टुअर्ट बिन्नी, फिर उन्मुक्त चांद, बहुत सारे लोगों ने पिछले कुछ दिनों में अपनी रिटायरमेंट को अनाउंस किया। अच्छा, कल अच्छा मैच था, चलो बढ़िया, मैंने देखा नहीं यार। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मोइन अली असल में एक इंग्लिश क्रिकेट प्लेयर है। चलते हैं अपने चौथे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है स्टूडेंट्स करंट अफेयर्स का, ठीक है, आपसे पूछा रहा है कि यूरोप की सबसे बड़ी इकॉनमी जो है जर्मनी, यूरोप की सबसे बड़ी इकॉनमी जो है जर्मनी, वहाँ रिसेंटली इलेक्शन होकर थे, नेशनल इलेक्शन, कौन सी पार्टी है जिसने इलेक्शन को जीता है, विच पार्टी हैज नैरोली वॉन, नैरो मतलब बहुत ही कम गैप से जीत लिया जर्मन नेशनल इलेक्शन को, ग्रीन्स पार्टी, क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन ऑफ जर्मन, जर्मनी पार्टी, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी या फिर फ्री डेमोक्रेट्स पार्टी, कोशिश करो। ठीक है सुनो, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है कि असल में जर्मनी के जो नेशनल इलेक्शन हुए हैं उसको जीतने वाली जो पार्टी है उसका नाम है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। सो जर्मनी को ना पिछले बड़े सालों से संभाल रहे हैं एंजेला मर्कल, जैसे हमारी कंट्री में प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट को संभालते हैं, जर्मनी में प्राइम मिनिस्टर नहीं बुलाते, वहाँ बुलाते हैं चांसलर। तो एंजेला मर्कल चांसलर, पता नहीं शायद 16 साल, 16-17 सालों से, बहुत टाइम से, ठीक है। तो जो एंजेला मर्कल है उन्होंने पहले ही अनाउंस कर दिया था कि 2021 वाला जो इलेक्शन है इसमें वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, मतलब इसमें वो अगर इसमें उनकी पार्टी जीतती भी है तो वो चांसलर नहीं बनेंगे। तो एंजेला मर्कल की इमेज इतनी अच्छी थी कि वो उन्होंने अनाउंस किया कि वो यहाँ पर नहीं लड़ेंगे, तो उनकी पार्टी हार गई और ऑपोजिशन में जो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी थी वो जीत गई, ठीक है। सो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, दुनिया में अगर देखें ना इकॉनमीज के हिसाब से, तो यूएसए सबसे स्ट्रांग इकॉनमी है, सेकेंड पे चाइना सबसे स्ट्रांग इकॉनमी है, थर्ड पे आपको जापान मिलेगा और फोर्थ पे आपको जर्मनी मिलेगा, फिर जाके इंडिया आता कहीं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स जर्मनी इंडिया से स्ट्रांग इकॉनमी, इनका जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है, जो इंजीनियरिंग सेक्टर है, मैकेनिकल सेक्टर, बहुत स्ट्रांग है। आगे चलते हैं, चलते हैं अपने पांचवें क्वेश्चन पे। स्टूडेंट्स क्वेश्चन है करंट अफेयर्स कैटेगरी का, आपसे पूछा जा रहा है दुनिया की वो कौन सी कंट्री है जिसने रिसेंटली अनाउंस किया कि वो क्रिप्टो करेंसीज को बैन कर रहे हैं, विच कंट्री हैज़ बैंड क्रिप्टो करेंसी, मतलब बिटकॉइन, लिथीरियम, डॉगी कॉइन सब बैन कर रहे हैं, यूएस, इंडिया, चाइना, यूके, कोशिश करो। विच कंट्री हैज़ बैंड क्रिप्टो करेंसी, यूएस, इंडिया, चाइना या यूके? तो स्टूडेंट्स रिसेंटली जिस कंट्री ने क्रिप्टो करेंसीज को बैन कर दिया वो है चाइना। अब चाइना ऐसा कर क्यों रहा है? चाइना ने रिसेंटली क्रिप्टो करेंसीज को बैन स्टूडेंट्स इसलिए कर दिया क्योंकि चाइना क्या कर रहा है, मार्केट में से बाकी क्रिप्टो करेंसी से निकाल रहा है ताकि जो उनकी खुद की, जैसे उनका डिजिटल युआन है, ये सब चीज़ें ग्रो कर सके। वो चाहते हैं कि और कोई हमारी मार्केट में ना आए, हम खुद अपने मार्केट को संभालें, ठीक है, बिल्कुल सही। आगे चलते हैं, चलते हैं स्टूडेंट्स, और आपको शायद पता भी होगा स्टूडेंट्स इस टाइम पे चाइना में एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है, इनकी एक बहुत बड़ी कंपनी थी एवरग्रैंडे जो कि फेल हो रही है, ठीक है, डूब रही है इनकी कंपनी, और वो डूबते डूबते पता नहीं कितने लोगों को साथ में लेकर जाएगी, बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है इस टाइम पर चाइना में। आगे चलते हैं, चलते हैं स्टूडेंट्स अपने छेवें क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है हमारा करंट अफेयर्स का, ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है कि हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली यूएसए गए थे, जब वो यूएसए गए तो उन्होंने वहाँ जाके क्वाड की मीटिंग भी अटेंड करी, उन्होंने विकास, आप कह रहे हो कि जिन्होंने बिटकॉइन को अपनी करेंसी अनाउंस कर दिया, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद आप इक्वाडोर की बात कर रहे हो, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, इक्वाडोर साउथ अमेरिकन कंट्री, ठीक है सर। तो क्वेश्चन है कि 76 सेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ पर स्पीच दी थी, इसका थीम क्या था, सिंपल, क्या इसका थीम था? द फ्यूचर वी वॉन्ट, द यूएन वी नीड, इफेक्टिव रिस्पॉन्सेज टू ग्लोबल क्राइसिस, मेकिंग द यूनाइटेड नेशन रेलिवेंट टू ऑल पीपल, या फिर बिल्डिंग रेजिलेंस थ्रू होप। तो अच्छा, एल सेल्वाडोर था, बिल्कुल नवील से बता रहे, एल सेल्वाडोर था, इक्वाडोर था, एल सेल्वाडोर था, बिल्कुल सही स्टूडेंट्स। तो इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही आंसर है कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो 76 सेशन इस साल हुआ उसका थीम था बिल्डिंग रेजिलेंस थ्रू होप। तो बिल्डिंग रेजिलेंस थ्रू होप इस साल का थीम था, हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर ने भी यहाँ पर स्पीच दी थी, ठीक है। तो अगर आप देखो 193 मेंबर कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया 76 सेशन में, थीम था बिल्डिंग रेजिलेंस थ्रू होप। आगे चलते हैं,
चलते हैं स्टूडेंट्स अपने सातवें क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर करंट अफेयर्स का, ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है कि रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक नया सिस्टम शुरू करवाया जिसके अंदर कोर्ट से जो कोर्ट्स होती हैं वहाँ से प्रिजन मतलब कि जो जेलें हैं उनके बीच पे डॉक्यूमेंट्स को जल्दी जल्दी ट्रांसफ़र किया जा सके और ई ऑथेंटिकेटेड कॉपीज़ को मतलब डिजिटली तो चीज़ें जा सके पर सेफ्टी का भी पूरा ख्याल रखा जाए। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक नया सिस्टम बनवाया। सिस्टम का नाम क्या है? सेफर, फास्टर, विनर, गिफ्ट। कोशिश करो। बहुत सारे लोग स्टूडेंट्स बिल्कुल सही अटेम्प्ट करें, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। जो सिस्टम बनवाया गया उसका नाम है फास्टर। इसके फुल फॉर्म भी है, फास्टर की फुल फॉर्म है फास्ट एंड सिक्योर्ड ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। ये असल में फुल फॉर्म है फास्टर की। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस का एक बेंच बनाया गया था, जस्ट CJI NV रमन्ना, जस्टिस नागेश्वर राव और जस्टिस सूर्यकांत। इस बेंच ने जो भी पार्टीज इन्वॉल्व थी इस फास्टर को चलाने में सबको एड्रेस किया, समझाया कि क्या मोटिव है हमारा, क्या हम करना चाहते हैं, क्यों हम जल्दी जल्दी डॉक्यूमेंट्स को ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं, ठीक है। तनु अगर आप वो साइन से ये बोलने की कोशिश करो कि नेट में दिक्कत आ रही है, तो तनु देखो मेरी तरफ से तो मुझे सब ठीक लग रहा है। हो सकता है आपको थोड़ा नेट की खुद प्रॉब्लम आ रही हो जहाँ पर भी आप बैठे हो, मे बी। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। चलते हैं अपने 8th क्वेश्चन में स्टूडेंट्स। क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर करंट अफेयर्स कैटेगरी का स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने। तो वही क्वेश्चन आ गया फिर से जो मैं आपको बता रहा था, जिसमें हम लोग मिलिट्री एयरक्राफ्ट को खरीदेंगे। तो डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक डील साइन करी है जिसमें हम एक यूरोप की कंपनी है एयरबस, इस यूरोप की कंपनी एयरबस से हम लोग C295 एयरक्राफ्ट खरीदेंगे। ये वाले ये ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, अच्छे बहुत अच्छे एयरक्राफ्ट होते हैं ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, इंडियन एयरफोर्स के लिए खरीदने हैं। टोटल कितने खरीदने हैं हमको बताओ? टोटल हमको 68 खरीदने हैं, 40 खरीदने हैं, 62 या 56, कोशिश करो। तो बड़े सारे लोग बिल्कुल सही बता रहे हैं स्टूडेंट्स, टोटल हम लोग जो एयरक्राफ्ट खरीदेंगे वो होंगे 56। इसमें से 16 तो एयरबस से आ जाएंगे इंडिया रेडी कंडीशन में, लगेंगे इसको 3-4 साल रेडी कंडीशन में इंडिया को मिलेंगे। बाकी के जो 40 हैं वो टाटा और एयरबस मिलकर इंडिया में बनाएंगे, जो अच्छी चीज़ है। इससे क्या होगा कि टाटा को समझ मतलब टाटा सीख लेगा कि ये मिलिट्री एयरक्राफ्ट कैसे बनते हैं, और उसके बाद हमको शायद और कहीं जाने की जरूरत ही ना पड़े, हमको खुद ही टाटा जब भी हमको एयरक्राफ्ट बनवाने टाटा से बनवा लेंगे। अगर एक बार टाटा ने सीख लिया मिलिट्री एयरक्राफ्ट कैसे बनते हैं, फिर हमको और किसी कंट्री के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये फ़ायदा। ठीक है, बिल्कुल सही नवील, बिल्कुल सही। तो आप देख सकते हो गवर्नमेंट ने 22,000 करोड़ की डील साइन करी, इसमें टोटल 56 एयरक्राफ्ट बनेंगे। पहले 16 तो रेडी कंडीशन में इंडिया के पास आ जाएंगे और बाकी के जो 40 है वो इंडिया में बनाए जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। चलते हैं स्टूडेंट्स अपने 9th क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, वैसे तो देखो मैं आपको देखो स्टूडेंट्स आप में से अगर ये जो साइन आप लिख रहे हो अगर इसका मतलब है कि इंटरनेट की दिक्कत आ रही है, तो मुझे तो अपने क्योंकि मैं भी अपने फ़ोन में भी क्लास चलाता हूँ तो उसमें मुझे बिल्कुल ठीक लग रहा है। तो मेरी तरफ से स्टूडेंट्स इंटरनेट की प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आप लोग प्लीज़ जिस कमरे में बैठे हो या तो अपना रूम बदलो या देखो थोड़ा सा अगर वाईफाई में दिक्कत आ रही है, क्योंकि मैं तो क्लास से पहले चेक करता हूँ, मेरे तरफ से तो इंटरनेट सब कुछ ठीक है स्टूडेंट्स। ठीक है, क्वेश्चन है 2021 में रशियन ग्रैंड प्रिक्स हुई, मतलब ये आज संडे है ना, तो पिछले संडे की रेस हुई रशिया में, F1 की रेस हुई। ये बड़ी इंपॉर्टेंट रेस है स्टूडेंट्स। मैं आपको नॉर्मली F1 की रेस के बारे में बस ये बताता हूँ जीता किसने रेस को, पर ये रेस इंपॉर्टेंट है और भी चीज़ें इसमें समझने वाली। इसको किसने जीता है? लुइस हैमिल्टन, मैक्स वर्स्टैपन, वैलेंटरी बोटास या सेबेस्टियन वेटल? बिल्कुल विकास, हाँ मैं इंटरनेट चेक मैंने मैं स्टूडेंट्स इंटरनेट चेक करके शुरू करता हूँ क्लास को। अगर मुझे लगता है इंटरनेट में कोई प्रॉब्लम है तो पहले मैं उसको ठीक करता हूँ फिर क्लास शुरू करता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, बिल्कुल सही आंसर है लुइस हैमिल्टन। और बिल्कुल नवील, आप बिल्कुल बता रहे हो स्टूडेंट्स। पहली बार किसी F1 के ड्राइवर ने पहली बार 100 रेसेस जीतने का रिकॉर्ड बनाया, मतलब जो सेकंड पे इंसान है, ये जैसे लुइस हैमिल्टन ने 100 जीत ली, सेकंड पे है माइकल शूमाकर, वो 91 पे है, और थर्ड पे है सेबेस्टियन वेटल, वो कुछ 53-54 पे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस है यहाँ पर लुइस हैमिल्टन की। अभी तो आने टाइम में कोई है नहीं, लग नहीं रहा अभी कम से कम 4-5-6 साल तक कोई भी ड्राइवर इनको बीट कर पाएगा। एक इंसान है मैक्स वर्स्टैपन, वो अच्छी रेस करता है स्टूडेंट्स, आजकल इनको भी बीट करता है, उसकी एज भी काफ़ी कम है, एज कम होनी चाहिए तभी तो बीट कर पाएगा, तभी तो इतने साल रेस करता रहेगा, तभी तो 100 से ज़्यादा रेस जीत पाएगा। शायद मैक्स वर्स्टैपन को हरा पाए, उस जो मैक्स वर्स्टैपन है उनकी उम्र 22-23 साल की, उससे ज़्यादा एज नहीं है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल विकास, इंडिया में भी F1 का ट्रैक है, उसका नाम है बुद्ध
इंटरनेशनल सर्किट, ये आपको मिलेगा ग्रेटर नोएडा में, बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट। तो ये अभी नहीं बना स्टूडेंट, से बन चुका था 2012-13 में, 11-12 में बन के रेडी हो चुका है। यहाँ पर F1 की रेसेस भी हुई हैं 14 में और 15 में, 2014-15 में, पर फिर इंडिया में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं दिख रहा था F1 को, तो उन्होंने बंद कर दी। पर जल्दी ही वापस शुरू हो जाएंगे स्टूडेंट्स, 1-2 साल में फिर से F1 की रेस इंडिया में शुरू होंगी, क्योंकि इंडियंस का इंटरेस्ट फिर से बढ़ता जा रहा है F1। मतलब ऐसा था कि पहले जब ये लोग लेकर आए थे तब इंडियंस इतने ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे, इनको लगा था शायद इंडियंस देखेंगे। अब क्या इंडियंस ऑनलाइन इतना सारा देखते हैं, काफ़ी सारे इंडिया की तरफ से F1 की ऑडियंस होती है, अब अगर F1 की रेस इंडिया में होगी तो काफ़ी सारे लोग स्टेडियम में देखने जरूर आएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, चलते हैं स्टूडेंट्स अपने 10वें क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का, ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है वर्ल्ड रिवर्स डे हर साल ऑब्जर्व किया जाता है किस डेट को, कब होता है स्टूडेंट्स वर्ल्ड रिवर्स डे? हाँ 11-12 में बना था, वही मुझे याद आ रहा है 11-12 के आसपास था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन है वर्ल्ड रिवर्स डे हर साल ऑब्जर्व किया जाता है किस डेट को, क्या ये सितंबर महीने के चौथे मंडे को होता है, क्या ये 20 सितंबर को होता है, क्या ये सितंबर महीने के 4th संडे को होता है, क्या ये 25 सितंबर को होता है? देखो स्टूडेंट्स, काफ़ी बार मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स को डाउट होता है कि क्या कोई ऐसा महीना है जिसमें 4 संडे या 4 मंडे ना आ पाए, क्योंकि क्वेश्चन में कई बार लिखा होता है स्टूडेंट्स। सारे ही सारे महीनों में, चाहे लीप ईयर चल रहा हो, ठीक है, फरवरी वाला, और 28 दिन भी हो, तो भी स्टूडेंट्स 4 यहाँ पर मंडे संडे आने ही आने, ठीक है, आप इसको कैलकुलेट करके देख सकते हो, आपको सारे मिल जाएंगे, तो 4 आते ही आते हैं, इसमें आपको कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन का जो स्टूडेंट्स बिल्कुल ही सही आंसर है, वर्ल्ड रिवर डे हर साल होता है जो सितंबर का महीना है उसके 4th संडे को, सितंबर के महीने के 4th संडे को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड रिवर डे। आगे चलते हैं, तो इस साल स्टूडेंट्स ये पड़ा 26th ऑफ सितंबर, ठीक है, 4th संडे ऑफ सितंबर हर साल। आगे चलते हैं, चलते हैं स्टूडेंट्स हम अपने 11वें क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है सोशल स्टडीज़ का, आपसे पूछा रहा है इंडिया की पहली वुमेन यूनिवर्सिटी, इसका नाम है श्रीमती नथीबाई दामोदर ठाकरे से वुमेन यूनिवर्सिटी। असल में स्टूडेंट्स इसको इस्टेब्लिश किया गया था किस शहर में? इंडियाज फर्स्ट वुमेन यूनिवर्सिटी श्रीमती नथीबाई दामोदर ठाकरे से वुमेन यूनिवर्सिटी वॉज इस्टेब्लिश इन मुंबई, अहमदाबाद, पुणे या दिल्ली। किस शहर में स्टूडेंट्स इस यूनिवर्सिटी को इस्टेब्लिश किया गया था? कोशिश करो, ये है कहाँ पर? तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल ही सही आंसर है वो है असल में ऑप्शन नंबर ए, मुंबई। तो स्टूडेंट्स आपके जो यूनिवर्सिटी देखने को मिलेगी इन दी फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया, मुंबई में स्टूडेंट्स आपको यूनिवर्सिटी देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो SNDT वुमेन यूनिवर्सिटी, ये असल में स्टूडेंट्स आपको देखने को मिलेगी मुंबई में। और अगर आप इनका एलुमनाई पेज चेक करो तो स्टूडेंट्स एलुमनाई पेज इनका बहुत ही ज़्यादा मतलब सारे बहुत ही फेमस लोग यहाँ से पढ़े हुए हैं, आपने सुना होगा शमिता शेट्टी, मसाबा गुप्ता, सोनाक्षी सिन्हा, काफ़ी फेमस लोग हैं स्टूडेंट जो इस यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, चलते हैं स्टूडेंट्स हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 12वां क्वेश्चन सोशल स्टडीज़ का, अच्छा क्वेश्चन है आपसे स्टूडेंट्स पूछा जा रहा है इंडिया की पहली स्टेट जो कि ऑर्गेनिक है उसका नाम है सिक्किम, और इंडिया की पहली यूनियन टेरिटरी जो कि ऑर्गेनिक है उसका नाम है लक्षद्वीप। तो स्टूडेंट्स ऑर्गेनिक का मतलब होता है कि एक ऐसी जगह जहाँ पर खेती के लिए कोई भी केमिकल, कोई भी फर्टिलाइजर यूज़ नहीं किया जा रहा, जो है नेचुरल है, नेचुरल चीज़ें यूज़ किया जा रही, ठीक है। तो आपसे पूछा था जो सिक्किम स्टेट है जो आपको बिल्कुल यहाँ पर मिलेगी, ये जो सिक्किम है इसको इंडिया की पहली ऑर्गेनिक स्टेट किस साल में डिक्लेयर कर दिया गया था? क्या ये ऑर्गेनिक बन गई थी 2013 में, 2014 में, 2015 में या 2016 में? इन विच ईयर सिक्किम वॉज डिक्लेयर्ड एज द फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट ऑफ इंडिया? बिल्कुल सही स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 2016। तो स्टूडेंट्स असल में 2016 का वो ईयर था जब सिक्किम को इंडिया की पहली ऑर्गेनिक स्टेट डिक्लेयर कर दिया गया। सिक्किम की कैपिटल क्या है? सिक्किम की कैपिटल है गैंगटॉक। आगे चलते हैं, चलते हैं स्टूडेंट्स अपने 13वें क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है फाइनेंस और बैंकिंग का, अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसमें भी मैं आपके लिए स्टूडेंट्स पूरा क्वेश्चन ही पढ़ूंगा, आप खुद एक बार पढ़ो और अटेम्प्ट करने की कोशिश करो आपके हिसाब से सही ऑप्शन क्या होना चाहिए। क्वेश्चन है जो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं इनकी मार्केट में क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं? स्टॉक एक्सचेंजेस प्ले अ रोल इन इकोनॉमी विच मे बी टर्म्ड एज, क्या रोल हो सकता है स्टॉक मार्केट्स का? हार्डली यूजफुल, यूजफुल बट नीड स्ट्रिक्ट रेगुलेशन, हार्मफुल टू प्रॉपर कैपिटल मार्केट्स, या फिर अ गैम्बलिंग वेयर मैनी इन्वेस्टर्स गेट रूइंड। अच्छा है क्वेश्चन स्टूडेंट, इससे आपको इसे मैं समझ पाऊंगा कि आप फाइनेंस को कितना समझते हो, आपके हिसाब से स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक मार्केट्स का क्या काम होता है इकोनॉमी में, कोशिश करो।
बिल्कुल पवनी, ये जो केटले फिशेस को रिसेंटली सिक्किम ने अपनी स्टेट फिश डिक्लेयर किया, बिल्कुल सही। ठीक है सुन, तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर है वो होना चाहिए ऑप्शन में बी। मुझे लगता है अब तक सिर्फ विकास ने इसको अटेम्प्ट किया ऑप्शन बी। सुन, ये स्टॉक एक्सचेंजेस, स्टॉक मार्केट्स बहुत ज़रूरी होते हैं। इससे क्या है, मार्केट में कैश की अवेलेबिलिटी बहुत बढ़िया रहती है और इन्वेस्टर ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लगाते हैं कंट्री की ग्रोथ के अंदर। पर यहाँ पर रेगुलेशन भी बहुत ज़रूरी चाहिए, नहीं तो स्कैम हो सकता है, जो इंडिया में हमने देखा है स्कैम 1992, तो वो सब चीज़ों का खतरा भी रहता है। ठीक है शामली, लक्षद्वीप को मेरे हिसाब से किया गया था 2019 में, 19 था या 19-20 में से कोई एक था, अभी मैं बहुत पहले नहीं, अभी किया गया इसको। ठीक है चलो ठीक है स्टूडेंट्स, किसी को याद है 2019 में था कि 20 में था, प्लीज़ बताओ। 19 में था जैसे मुझे याद आ रहा है। चलो ठीक है स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं, चलते हैं अपने सेकंड पार्ट के आखिरी क्वेश्चन पे। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 14 है फाइनेंस और बैंकिंग का, ये भी बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। चलो बढ़िया, जिन्होंने भी स्टूडेंट्स राइट आंसर दिया। क्वेश्चन स्टूडेंट्स की जो रेपो रेट है इसका मतलब क्या, ये भी स्टूडेंट्स मैं आपके लिए पढ़ूंगा नहीं, क्योंकि आप खुद पढ़ के अगर देखोगे तो आपको सही आंसर समझ में लग भी जाएगा। रेपो रेट, ठीक है, जैसे रेपो रेट होता क्या है, बड़े सारे इंटरेस्ट रेट होते हैं स्टूडेंट्स मार्केट में, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, ये इंटरेस्ट रेट क्या होता है, जैसे मान लो मैं एक पर्सन ए हूँ और मैंने पर्सन बी को पैसा दिया, तो स्टूडेंट्स अगर मैंने 100 रुपया दिया ना, तो कभी भी मैं पैसा इतना वापस नहीं लूँगा, मैं इंटरेस्ट लगाऊंगा। हो सकता है ये मुझे 2 महीने के बाद 110 रुपये वापस करे, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने 10% का इंटरेस्ट लगा दिया, इंटरेस्ट रेट। तो ये जो लिखे होते हैं ना रेट, ये सब इंटरेस्ट रेट्स होते हैं। ठीक है, तो रेपो रेट कौन सा वाला इंटरेस्ट रेट होता है, इसका स्टूडेंट्स बिल्कुल सही आंसर है, रेपो रेट वो वाला इंटरेस्ट रेट होता है जो कि आरबीआई चार्ज करता है बैंकों से जब बैंक आरबीआई से उधार लेते हैं। तो यहाँ आरबीआई को लिख देते हैं, यहाँ बैंकों को लिख देते हैं। जब पैसा आरबीआई से बैंकों की तरफ जाता है, जब पैसा आरबीआई से बैंकों की तरफ जाता है, तो बैंक कुछ इंटरेस्ट पे करते हैं आरबीआई को, इसको बोलते हैं रेपो रेट। जब पैसा बैंकों से आरबीआई की तरफ जाता है, अगर मान लो बैंक अपना पैसा आरबीआई के पास रखा रहे, बैंक मतलब कमर्शियल बैंक, सरकारी और प्राइवेट कमर्शियल बैंक, अगर ये लोग अपना पैसा आरबीआई के पास रखवाते हैं, तो आरबीआई को इनको कुछ इंटरेस्ट पे करना होता है, उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। आई होप स्टूडेंट्स ये दोनों चीज़ें आपको समझ में आ चुकी हैं, आगे चलते हैं। ठीक है, इसके साथ हमारा पार्ट टू भी हुआ खत्म स्टूडेंट्स, हमारी 1/3 क्लास हो चुकी है खत्म, पार्ट 3, 4, 5, 6 पढ़े। ठीक है चलो ठीक है स्टूडेंट्स, पार्ट 3 है हमारा, पहला क्वेश्चन स्टैटिक अफेयर्स कैटेगरी का आप लोगों के सामने क्वेश्चन है। अजंता केव्स स्टूडेंट्स आपको देखने को मिलती है हमारी कंट्री की कौन सी स्टेट में, अजंता केव्स आर बेस्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर महाराष्ट्र, कोशिश करो। फिर से अजंता केव्स आपको हमारी कंट्री की कौन सी स्टेट में देखने को मिलेगी, ये आपको बताना है। तो क्या ये आपको देखने को मिलती है गुजरात में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में या फिर महाराष्ट्र में, तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल ही सही आंसर है, असल में अजंता केव्स आपको देखने को मिलेंगी इन दी स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, तो स्टूडेंट्स महाराष्ट्र में देखने को मिलती है आपको अजंता केव्स। ठीक है स्टूडेंट्स बिल्कुल सही, तो अगर आप देखो महाराष्ट्र के जो औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट है स्टूडेंट्स, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट, वहां पर आपके बुद्धिस्ट केव देखने को मिलेंगे जिनको हम बुलाते हैं अजंता केव्स। ठीक है आगे चलते हैं, चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है स्टैटिक अफेयर्स का, आपसे स्टूडेंट्स पूछा जा रहा है दुनिया में कंट्री है जिसकी कैपिटल है नायरोबी, असल में किस कंट्री की कैपिटल है नायरोबी, नायरोबी इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री, लीबिया, पनामा, केन्या, ताइवान, कोशिश करो स्टूडेंट। अच्छा क्वेश्चन है, दुनिया की वो कौन सी कंट्री है जिसकी असल में कैपिटल है नायरोबी, लीबिया, पनामा, केन्या या फिर ताइवान। बिल्कुल सही स्टूडेंट्स, बहुत सारे लोगों ने बिल्कुल सही अटेम्प्ट कर दिया है, नायरोबी स्टूडेंट्स असल में कैपिटल है केन्या के। अगर आप लोग वो थोड़ा टीवी सीरीज वगैरह देखते हो, तो नेटफ्लिक्स पे टीवी सीरीज आई थी मनी हाइस्ट, उसमें सारे जो करेक्टर्स उनके नाम किसी ना किसी कैपिटल के नाम पे, तो उसमें करेक्टर था नायरोबी, काफ़ी सारे लोगों ने सर्च भी किया था कि नायरोबी है क्या असल में। तो ये स्टूडेंट्स असल में कैपिटल है केनिया की। अगर आप ये अफ्रीका का मैप देखो, तो अफ्रीका के मैप में आपको यहाँ ईस्टर्न अफ्रीका में कंट्री मिलेगी केनिया, इसकी कैपिटल है नैरोबी। तो केनिया की ईस्टर्न अफ्रीकन कंट्री है, कैपिटल नैरोबी है, करेंसी है केनियन शिलिंग, इनकी स्टूडेंट्स करेंसी का शिलिंग। ठीक है आगे चलते हैं, चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है स्टूडेंट्स करंट अफेयर्स कैटेगरी का आप लोगों के सामने क्वेश्चन है, दिए गए ऑप्शन में से स्टूडेंट्स की हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिसीव्ड अ कोविड 19 वैक्सीन बूस्टर शॉट, मतलब कि रिसेंटली
इनमें से स्टूडेंट्स किस इंसान को एक बूस्टर शॉट दिया गया, बूस्टर होता है थर्ड शॉट, वैक्सीन का तीसरा शॉट किस बड़े लीडर को दिया गया, जो बाइडेन, बोरिस जॉनसन, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी या फिर व्लादिमीर पुतिन? कोशिश करो। मैंने मुंह की बात बोल दी, कौन सी मैंने मुंह की बात बोली बताना विकास। ठीक है सुनो, तो क्वेश्चन है दिए गए ऑप्शन में से वो कौन से वर्ल्ड लीडर हैं जिनको रिसेंटली कोविड-19 वैक्सीन का बूस्टर शॉट देना पड़ा। बूस्टर शॉट होता है थर्ड शॉट, मतलब पहला शॉट आया, दूसरा शॉट आया तो तीसरा शॉट दिया गया। किसको दिया गया स्टूडेंट्स? ये दिया गया यूएसए के प्रेसिडेंट को, जिनका नाम है जो बाइडन। ऐसा क्यों किया गया ये भी आपको समझा देता हूँ। जब स्टूडेंट्स हम वैक्सीन का पहला डोज देते हैं, हमारी बॉडी में जो इम्यूनिटी है वो एकदम से ऊपर जाती है, पर ये नीचे भी बहुत जल्दी आती है। फिर हम दूसरा डोज लेके इसको थोड़ा स्टेबल करने की कोशिश करते हैं, पर टाइम के साथ साथ स्टूडेंट्स फिर से नीचे आना ही आना है, ठीक है, फिर से नीचे आती आती है। जिन लोगों की इम्यूनिटी काफ़ी वीक होती है, जिनको और भी दिक्कतें हैं या फिर जिनकी एज ज़्यादा है, उनको बूस्टर शॉट देके फिर से उनकी इम्यूनिटी ऊपर लेके आनी पड़ती है। तो इस वजह से कई लोगों को, मतलब सबको नहीं पर कुछ कुछ लोगों को बूस्टर शॉट लेना चाहिए, थर्ड शॉट लेना चाहिए। अभी इंडिया में तो बूस्टर शॉट का कंसेप्ट शुरू नहीं हुआ, यूएसए में हो गया। शायद 70 से ऊपर की एज के सब लोगों को लेना है, आई एम नॉट फॉर शायद 70 के 65 है, 70 है मेरे ख्याल से, ठीक है। और स्टूडेंट्स जो बाइडन को भी बूस्टर शॉट लेना पड़ा, ठीक है, क्योंकि उनकी एज 70 से ज़्यादा है, और उन्होंने ऑन कैमरा लिया ताकि पूरी कंट्री को एक मैसेज आ सके कि बाकी लोगों को भी डोज ज़रूर लेना चाहिए। आगे चलते हैं, चलते हैं स्टूडेंट्स अपने चौथे क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन है हमारा, करंट अफेयर्स कैटेगरी स्टूडेंट्स आपसे पूछा रहा है, नेमाबेन आचार्य जिनको आप इस पिक्चर में देख पा रहे हो, ये पहले वुमेन स्पीकर बने हैं किस स्टेट की असेंबली के, कौन सी स्टेट की असेंबली के विधानसभा के पहले वुमेन स्पीकर बने? वैसे तो आपको नाम से एक हिंट मिल जाना चाहिए। क्या है, गुजरात के पहले वुमेन स्पीकर बने, गुजरात, पंजाब के, कर्नाटका के, असम के? कोशिश करो। नेमाबेन आचार्य हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ विच स्टेट असेंबली? गुजरात, पंजाब, कर्नाटका, असम? तो विराट ने बिल्कुल सही टाइम कर दिया इस क्वेश्चन का आंसर। स्टूडेंट्स बिल्कुल ही सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। तो स्टूडेंट्स गुजरात इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर, ठीक है, बिल्कुल सही। बहुत सारे लोग बिल्कुल सही टाइम कर रहे हैं। तो नीमाबेन आचार्य बिकम्स फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ गुजरात असेंबली। आगे चलते हैं, चलते हैं स्टूडेंट्स अपने पाँचवें क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन है करंट अफेयर्स कैटेगरी, आपसे पूछा जा रहा है दिए गए ऑप्शन में से स्टूडेंट्स वो कौन से इंसान है जो कि पंजाब कांग्रेस के चीफ थे पर रिसेंटली इन्होंने रिजाइन कर दिया। Who among the following has resigned as the Punjab Congress chief? क्या स्टूडेंट्स नवजोत सिंह सिद्धू जी ने रिजाइन किया, अमरिंदर सिंह ने, सुखविंदर रंधावा ने या फिर चरणजीत सिंह चन्नी ने? तो स्टूडेंट्स कुछ नाम तो आपको पता है, वो तो आंसर हो ही नहीं सकते। जैसे अमरिंदर सिंह ये तो असल में सीएम थे और चरणजीत सिंह चन्नी अभी के सीएम है, तो क्या सही आंसर क्या हो गया स्टूडेंट्स? सही आंसर हो गया नवजोत सिंह सिद्धू। देखो स्टूडेंट्स ये है नवजोत सिंह सिद्धू, जो नवजोत सिंह सिद्धू को इंपॉर्टेंट पोस्ट देने की वजह से कैप्टन अमरिंदर सिंह थोड़ा नाराज थे, और मतलब बहुत सारे रीज़न में ये भी एक रीज़न था कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सीएम की पोस्ट से रिज़ाइन कर दिया। उनके रिज़ाइन करने के 3-4 दिनों के बाद यहाँ पर नवजोत सिंह सिद्धू ने भी रिज़ाइन कर दिया, ठीक है, इन्होंने पंजाब कांग्रेस की चीफ की पोजिशन से रिज़ाइन कर दिया। कहा तो जा रहा है कि वापस आ जाएंगे, पर अभी इन्होंने ऑफिशियली तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, ठीक है। और अभी के लिए स्टूडेंट जो पंजाब में उनके सीएम कौन है, चरणजीत सिंह चन्नी। आगे चलते हैं, चलते हैं स्टूडेंट्स हम अपने छेवें क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है हमारा करंट अफेयर्स का, ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है भगत सिंह बहुत ही ग्रेट रेवोल्यूशनरी इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट, ठीक है। स्टूडेंट्स आपसे पूछा रहा है कि जो भगत सिंह जी, इनकी बर्थ एनिवर्सरी हमारी कंट्री में ऑब्जर्व की जाती है हर साल किस डेट को, कब होती है इनकी बर्थ एनिवर्सरी? 25 सितंबर को, 27 सितंबर को, 30 सितंबर को या 1 अक्टूबर? कोशिश करो विकास। बढ़िया, अब बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा देखना कि पंजाब में होता क्या, पंजाब में जो इलेक्शन आएंगे उसमें होगा क्या, क्योंकि अभी कोई नहीं कुछ कह सकता कि पंजाब के इलेक्शन में क्या हो जाएगा, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है भगत सिंह जी, इनकी बर्थ एनिवर्सरी हर साल ऑब्जर्व किया जाती है किस डेट को, 25th, 27th, 30th या फिर 1 अक्टूबर? स्टूडेंट्स हर साल भगत सिंह जी की बर्थ एनिवर्सरी ऑब्जर्व किया जाती है 27 सितंबर को, ठीक है। तो भगत सिंह जी बर्थ एनिवर्सरी 27th of September 1907 और इनकी डेथ हुई थी स्टूडेंट्स 23rd of March 1931, इनको फांसी दी गई थी। आगे चलते चलते हैं स्टूडेंट्स हम अपने सातवें क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है करंट अफेयर्स कैटेगरी का आप लोगों के सामने, क्वेश्चन क्या स्टूडेंट्स? क्वेश्चन है वर्ल्ड रेबीज डे हर साल ऑब्जर्व किया जाता है किस डेट को, कब होता है स्टूडेंट्स वर्ल्ड रेबीज डे? हम लोग ऐसा सोचते हैं कि बस अगर किसी स्ट्रीट डॉग को हाथ लगा दिया तो रेबीज हो जाएगा, ऐसा नहीं होता स्टूडेंट्स। पहले तो कई हजारों में से एक या दो कुत्ते होते हैं जिनको रेबीज की दिक्कत होती है, ठीक है, उसके बाद अगर वो भी आपको बाइट करता है, ठीक है, बाइट उसके बाद भी चांसेस होते हैं। तो ऐसा नहीं, मतलब ऐसा मत सोचना
कि घर के आसपास अगर कोई स्ट्रीट डॉग है तो बस उसको वहाँ से भगा दो। सुनो उनको भी कहीं ना कहीं रहना है, ठीक है? तो उनको भी अगर आप थोड़ा बहुत कुछ खिला दोगे, और कभी कई कई बार कुत्ते बहुत वीक होते हैं, अगर तो उनको थोड़ा आप खिला दोगे कुछ, आपको ऐसा रेबीज़ कुछ नहीं होगा, ठीक है? आजकल तो मैक्सिमम जो कुत्ते हैं उनको वैक्सीनेट भी किया जाता है। तो वर्ल्ड रेबीज़ डे सुनो, हर साल ऑब्जर्व किया था किस डेट को, लास्ट संडे ऑफ सितंबर, 27th ऑफ सितंबर, 28th ऑफ सितंबर, लास्ट मंडे ऑफ सितंबर। कोशिश करो, वर्ल्ड रेबीज डे हर साल ऑब्जर्व किया था स्टूडेंट्स किस डेट को, इसका बिल्कुल सही आंसर है हर साल ही होता है 28 सितंबर को, ठीक है? तो रेबीज क्या है स्टूडेंट्स, ये एक वायरस है जो कि इंसानों में फैलता है इन्फेक्टेड एनिमल के सलाइवा से। मतलब अगर वो आपको बाइट करेगा तो उसके बाइट करने से आपके अगर वो ब्लड में उसका सलाइवा आ गया तो ये फैल सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ डॉग से फैलता है, और भी इन्फेक्टेड एनिमल्स अगर कोई मंकी है कोई कैट है उनसे भी ये फैल सकता है, ठीक है? आगे चलते हैं। बिल्कुल ठीक है सुन, चलते हैं हम अपने 8th क्वेश्चन में। स्टूडेंट्स क्वेश्चन है हमारा करंट अफेयर्स कैटेगरी का आप लोगों के सामने। स्टूडेंट्स क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि नागा ककम्बर, ककम्बर मतलब जैसे अब जहाँ मैं रहता हूँ यहाँ तो इसको लोकल लैंग्वेज में खीरा बुलाते, खीरा। अब आप लोगों के यहाँ पर क्या बुलाते हैं आप भी थोड़ा बताओ मुझे। तो स्टूडेंट्स नागा ककम्बर जो आप इस इमेज पर देख पा रहे हैं बहुत ही यूनिक टाइप का खीरा होता है, ककम्बर होता है। इसका टेस्ट अलग होता है, ठीक है? इसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है। रिसेंटली इसके कम्बर को GI टैग दिया गया। GI टैग क्या होता है, ज्योग्राफिकल इंडिकेटर टैग। GI टैग उन चीज़ों को दिया जाता है जो एक पर्टिकुलर एरिया में उगे, किसी स्टेट के किसी पर्टिकुलर एरिया में उगे और बहुत फेमस हो, बहुत अच्छा प्रोडक्ट हो, इसको ऐसी चीज़ों को GI टैग देते हैं। तो ये जो नागा क्यूकम्बर है किस स्टेट से आता है, बड़े आसान क्वेश्चन है, मणिपुर, सिक्किम, मिजोरम, नागालैंड। कोशिश करो, तो बिल्कुल सही। अगर सुन नाम में नागा आ गया तो इसका सही आंसर क्या है, नागालैंड। तो नागालैंड से इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर है, खीरा ही बुलाते हैं। कई जगह मैंने सुना है शायद ककड़ी भी बुलाते हैं ना, महाराष्ट्र साइड में इसको ककड़ी भी बुलाते हैं। हाँ ककड़ी, बिल्कुल। चलो आगे चलते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो नागा क्यूकम्बर फ्रॉम नागालैंड गेट्स GI टैग। GI होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। पंजाब में तो खीरा ही बुलाते हैं, मैं भी पंजाब में रहता हूँ, ठीक है? मतलब तो चंडीगढ़ में रहता हूँ। अच्छा राजस्थान में इसको मेहड़ी बुलाते हैं, मेहड़ी। आई होप मैं ठीक प्रोनाउंस कर रहा हूँ, चलो ठीक है। ठीक है सर, चलते हैं अपने 9th क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा करंट अफेयर्स कैटेगरी का आप लोगों के सामने। क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, कि मेडन सक्सेसफुल टेस्ट फ्लाइट, मेडन होता है पहली बार, तो पहली बार सक्सेसफुल टेस्ट फ्लाइट कर ली हमने आकाश मिसल के एडवांस वर्जन की। तो आकाश हमारे कंट्री को बहुत टाइम से सर्व कर रहा है, ये एक एयर डिफेंस सिस्टम है, DRDO ने इसका एडवांस वेरियंट भी बना लिया। इसका पहला सक्सेसफुल ट्रायल भी रखा गया। आपसे पूछा जा रहा है, आपसे सुनते हमें पूछा जा रहा है कि असल में क्या नाम है इस नई मिसाइल का, आकाश प्राइम, आकाश डीलक्स, आकाश फाइव या फिर आकाश A1। कोशिश करो, विकास आप जो बोल रहे हो ना उसको लेकर एक और नाम होता है पंजाब में, आई होप आप उसकी बात करें, उसको उसको पंजाब में बोलते हैं तर, तर बोलते हैं उसको पंजाब में। अगर आप में से कोई पंजाब का तो उनको पता होगा कि तर क्या होता है, तर। वो भी जैसे सैलड में होती है ना, तो खीरे के साथ वो भी तर भी खाई जाती है, ठीक है? ठीक है सुन, इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर है कि जो नई मिसाइल टेस्ट की गई उसका नाम है असल में आकाश प्राइम। तो ये है सुन असल में आकाश प्राइम, ठीक है? आपको मैं एक चीज़ बता दूँ फ्रेंड्स, आप कन्फ्यूज मत होना, जो आकाश सिस्टम है ना आकाश, इसके बाद एक आकाश NG भी आया था इस साल, न्यू जनरेशन, पर ये उसका भी एडवांस है आकाश प्राइम, ठीक है? तो तीनों के बारे में आपको बताना चाहिए। और ये एक एयर डिफेंस का सिस्टम है, जैसे ये यहाँ पर डिप्लॉयड है, अगर आसपास कोई एयरक्राफ्ट आता है जो हमारे लिए डेंजरस है तो यहाँ से इसकी मिसाइल निकलेगी और उसको जाके हिट करेगी हवा में, ठीक है? चलो चलते हैं अपने 10th क्वेश्चन पे, 10th क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है करंट अफेयर्स कैटेगरी का आपसे, सुन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कितने मेडल्स जीते हैं इंडिया के कंटीजेंट ने जो रिसेंटली 2021 का वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप चल रहा था USA में। तो स्टूडेंट्स USA में वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप चल रहा था, उसमें असल में इंडिया ने कितने मेडल जीते हैं, 3 ब्रॉन्ज, 1 गोल्ड, 3 सिल्वर, 2 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज या फिर 3 सिल्वर। कोशिश करो, तो टोटल नंबर ऑफ मेडल्स इंडिया ने कितने जीते हैं वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप के अंदर। बिल्कुल सही स्टूडेंट्स, इसका सही आंसर है इंडिया ने टोटल 3 सिल्वर जीते हैं, ठीक है? टोटल 3 मेडल, तीनों के तीनों सिल्वर। वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप असल में स्टूडेंट्स USA में चल रही थी, ठीक है? वहां पर ये मेडल को जीता गया। आगे चलते हैं, चलते हैं स्टूडेंट्स हम अपने 11वें क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन स्टूडेंट्स, को ध्यान से अटेम्प्ट करना, सोशल स्टडीज का क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। गंगा नदी, गंगा की
लार्जेस्ट ट्राइब्यूटरी कौन सी? स्टूडेंट्स लॉन्गेस्ट नहीं मैं आपसे पूछ रहा, लार्जेस्ट पूछ रहा हूँ। गंगा की लार्जेस्ट ट्राइब्यूटरी कौन सी है? लार्जेस्ट मतलब जो पानी का फ्लो सब, देखो ट्राइब्यूटरी होता है सहायक नदियाँ, जैसे गंगा जा रही है तो ये गंगा में बड़ी सारी नदियाँ आके सपोर्ट मतलब गंगा के साथ जुड़ जाती है और अपना पानी का फ्लो गंगा को देती है, तो ये होती है सारी सहायक नदियाँ, ठीक है, ट्राइब्यूटरीज। तो सुन, जो गंगा है, गंगा की सबसे लार्जेस्ट ट्राइब्यूटरी जिसका फ्लो, जो पानी का फ्लो सबसे ज़्यादा गंगा को देती है, वो कौन सी है? यमुना, गंडकी, घाघरा, कोसी। तो सुन देखो, आप में से सारे लोग ऑलमोस्ट बोल रहे हो यमुना, पर इसका सही आंसर यमुना नहीं है सुन, इसका सही आंसर है घाघरा, ठीक है, इसको घाघरा या घघारा जिस तरह से भी प्रोनाउंस करते हैं। लॉन्गेस्ट पूछा जाता था सुन, लॉन्गेस्ट बिल्कुल यमुना थी, क्योंकि यमुना यहाँ कहीं से शुरू होकर ये बिल्कुल इतना लंबा रास्ता ट्रैवल करके या अलाहाबाद में आके मिलती है, ठीक है। पर अगर सुन फ्लो में देखा जाए, मतलब यहाँ लार्जेस्ट पूछा तो लार्जेस्ट ट्राइब्यूटी है घघारा, ठीक है, और सेकेंड लॉन्गेस्ट है घघारा यमुना के बाद। आई होप आपको स्टूडेंट्स ये चीज़ समझ में आ चुकी है, ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हो लेंथ है 507 किलोमीटर की, और लार्जेस्ट रिवर इन नेपाल, टोटल लेंथ गंगा रिवर की है कुछ 1080 किलोमीटर की। ये लार्जेस्ट ट्रिब्यूटी है गंगा की वॉल्यूम के हिसाब से, और सेकेंड लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटी है, ठीक है, यमुना के बाद। आई होप अब आपको ये चीज़ क्लियर है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलते हैं हम अपने 12वें क्वेश्चन में। तो स्टूडेंट्स अभी हमारा थर्ड पार्ट खत्म हो रहा है, इसके बाद एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। आप लोग भी थोड़ी देर के लिए स्क्रीन से अपनी नज़रें हटाना, थोड़ा अगर रूम की लाइट ऑफ करके 2 मिनट 1 मिनट लेट सकते हो, ऐसे थोड़ा लेट जाना, फ़ोन फ़ोन पे मत लगना, ठीक है, ताकि आपकी भी आंखों को थोड़ा रेस्ट मिले। और तीन पार्ट हमारे होंगे, तीन ही पार्ट हमने और करने, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है हमारा, वो कौन सी स्टेट है जो कॉफ़ी की सबसे बड़ी प्रोड्यूसर है? विच स्टेट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी इन इंडिया? केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। कोशिश करो स्टूडेंट्स, कॉफ़ी की सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन हमारी कंट्री की कौन सी स्टेट में होती है? केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश। तो स्टूडेंट्स कॉफ़ी की सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन इंडिया में कौन सी स्टेट में होती है? इसका जो बिल्कुल सही आंसर है स्टूडेंट्स, वो है असल में ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटका। मैं आपको एक मैप दिखाता हूँ, उस मैप से आपको बड़ा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर स्टूडेंट्स आप देखो, ये इंडिया का मैप है, ये कर्नाटका, ठीक है स्टूडेंट्स। तो कर्नाटका में आपको कॉफ़ी की प्रोडक्शन स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा मिलेगी, सेकेंड पे केरला है, और थर्ड पे स्टूडेंट्स आपको मिलेगा तमिलनाडु। तो ये तीन जगह हैं जहाँ कॉफ़ी की प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है, आगे चलते हैं। चलते हैं स्टूडेंट्स अपने 13th क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है फाइनेंस और बैंकिंग, अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन है कि उस एक्ट का नाम बताओ जिस एक्ट को लेकर आया गया था इंडिया में, ताकि जो बैंकों को एनपीए की दिक्कत होती है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट की दिक्कत है, वो कुछ हद तक सॉल्व की जा सके। स्टूडेंट्स बैंकों को एनपीए की क्या दिक्कत होती है? जैसे मैंने बैंक से लोन लिया, अब मुझे हर महीने बैंक को कुछ ईएमआई देनी है, कुछ पैसा वापस करना है, पर मैंने पैसा देना वापस कर बंद कर दिया, मैं पैसा ही नहीं दे रहा बैंक को। अगर 90 दिन तक, लगातार 90 दिन तक बैंक को मुझसे कोई कांटेक्ट नहीं होगा, बैंक को कोई पैसा नहीं आएगा, तो बैंक जो मुझे लोन दिया गया है उसको बोल देगा एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, मतलब अब ये जो लोन है इसमें शायद ही कुछ वापस आएगा। तो ये बैंक को करना होता है, आरबीआई का रूल है। तो एनपीए में बैंक को लॉस हो गया, अब तो बैंक के तो पैसे चले गए, तो इसमें बैंक को थोड़ा कुछ पावर देनी चाहिए कि आप थोड़ा बहुत जिसने लोन लिया उसका जो घर है ज़मीन है थोड़ा बेच के अपना लोन वापस ले सको। तो इसको सपोर्ट करने के लिए एक एक्ट आया था, उस एक्ट का नाम क्या था स्टूडेंट्स? उसका नाम था सरफेसी एक्ट। अगर मैं आपको स्टूडेंट्स दिखाऊं, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002। अगर स्टूडेंट्स आप इसकी एक लाइन पढ़ो, इट अलाउज बैंक एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू ऑक्शन रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टीज टू रिकवर लोन। ये स्टूडेंट्स असल में मेन मोटिव था इस सरफेसी एक्ट का, ठीक है। आई होप स्टूडेंट्स ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी है। चलते हैं अपने 14th क्वेश्चन में स्टूडेंट्स। क्वेश्चन है CRR और SLR, कैश रिजर्व रेशो और स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशो, ये असल में स्टूडेंट्स रिलेटेड होते हैं किस इंडस्ट्री से? बैंकिंग इंडस्ट्री से, कैपिटल मार्केट की इंडस्ट्री से, म्यूचुअल फंड की इंडस्ट्री से, या कॉमोडिटीज़ मार्केट की इंडस्ट्री से? स्टूडेंट्स कॉमोडिटीज़ मार्केट और कैपिटल मार्केट में फ़र्क क्या होता है? कॉमोडिटीज़ मार्केट में आप जैसे कोल हो गया, पेट्रोल हो गया, गोल्ड हो गया, इन सब का ट्रेड करते हो। कैपिटल मार्केट में तो आप ये सभी जैसे बॉन्ड्स वगैरह का ट्रेड करते हो, ठीक है, ये फ़र्क होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपसे पूछा जा रहा है कि CRR और SLR, ये असल में जो दोनों टर्म्स हैं ये किस फील्ड से जुड़ी हैं? कोशिश करो। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल ही सही आंसर है, ये असल में जो दोनों टर्म्स हैं CRR और SLR, ये जुड़ी हुई हैं बैंकिंग इंडस्ट्री से। तो बैंकिंग इंडस्ट्री इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। आपको स्टूडेंट्स पता ही है CRR क्या होता है, कैश रिजर्व रेशो। जो बैंकों के पास जितने भी लोगों ने पैसा जमा कराया है उसका कुछ परसेंटेज बैंक को कैश के फॉर्म में आरबीआई के पास स्टोर करना होता है, ताकि बैंक डूब रहा हो तो आरबीआई उसको मदद कर सके। SLR स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशो, बैंकों के पास टोटल जितने रिजर्व हैं, जो भी पैसा है उसमें से कुछ पैसा बैंक को अपने, पैसा नहीं कुछ
अमाउंट बैंक को अपने पास रखनी होती है गोल्ड के फॉर्म में, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज के फॉर्म में या कैश के फॉर्म में। तो सीआरआर और एसएलआर ये होता है, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके साथ अब हम लोग शुरू करेंगे स्टूडेंट्स। तीन पार्ट हमारे हुए खत्म, पार्ट फोर फिफ्थ और सिक्स बचा हुआ है हमारा स्टूडेंट्स। तो एक जल्दी से छोटा सा ब्रेक लेते हैं, आप लोग भी ब्रेक ले लो, मैं भी ले लेता हूँ। 1:04 दिखा रहा है मेरी घड़ी में, 1:05, तो 1:08 तक शुरू कर देते हैं क्लास को, ठीक है। आप लोगों को अपने डिवाइस मतलब लीव करने की जरूरत है, बस डिवाइस को ऐसे ही रख दो। और मैं भी आपको यही सजेस्ट करूंगा कि थोड़ी देर के लिए अपनी आंखों को रेस्ट दो, ताकि बाकी की 50% क्लास भी हमारी अच्छे से हो सके, ठीक है। चलो ठीक है सुन, तो छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद इसको कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू यार, मैं भी अपने स्क्रीन को बस नीचे कर रहा हूँ और कुछ नहीं, बंद नहीं कर रहा कुछ भी, मैं बस उसको ऐसे नीचे कर दूँ, ठीक है। थैंक यू। ठीक है सुनस, तो कंटिन्यू करते हैं अपनी क्लास को। तीन पार्ट हुए हमारे ख़त्म, मैं जल्दी से क्लास को अपने मोबाइल पे चला लेता हूँ।
बाकी के जो तीन पार्ट है उसको यहाँ पर ख़त्म करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलते हैं अपने फोर्थ पार्ट के पहले क्वेश्चन के ऊपर। फोर्थ पार्ट का स्टूडेंट्स हमारा पहला क्वेश्चन है स्टैटिक अफेयर्स कैटेगरी का आप लोगों के सामने। स्टूडेंट्स क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि रियाद रियाद असल में कैपिटल है दिए गए ऑप्शन में से किस कंट्री की। रियाद इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री, इराक, इसराइल, सीरिया या सऊदी अरेबिया। स्टूडेंट्स अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट कंट्री की कैपिटल है रियाद, कोशिश करो इसको लाइव चैट ऑप्शन में अटेम्प्ट करने की। तो रियाद इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री, इराक, इसराइल, सीरिया या फिर सऊदी अरेबिया। इस क्वेश्चन का जो स्टूडेंट्स बिल्कुल इसी आंसर है, असल में आपको कैपिटल मिलेगी रियाद ऑफ द कंट्री ऑफ सऊदी अरेबिया। तो स्टूडेंट्स सऊदी अरेबिया कैपिटल को रियाद बोलते हैं, बिल्कुल मिनाली, बिल्कुल विराट, बिल्कुल सही। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ स्टूडेंट्स। अगर आप इस मैप की तरफ देखो, ये मैप आपको दिखाता है कि जैसे ये रहा इंडिया, फिर ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान और ये रहा स्टूडेंट सऊदी अरेबिया। तो ये जो मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ है ना, इसमें सबसे पावरफुल कंट्री है स्टूडेंट सऊदी अरेबिया। मतलब इसका सपोर्ट भी अच्छा खासा है, यूएसए भी अच्छा सपोर्ट करता है। वैसे तो ईरान भी पावरफुल है, पर ईरान को सपोर्ट नहीं करती कंट्रीज, बिकॉज सऊदी अरेबिया कैपिटल है रियाद। स्टूडेंट जो आपने दो बहुत ही इंपॉर्टेंट शहर सुने होंगे जो इस्लाम धर्म के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, मक्का और मदीना, वो भी दोनों आपको यहीं पर मिल जाएंगे। तो मक्का में तो जो एक इस्लाम फॉलो करने वाला इंसान है वो हज के लिए जो जाता है वो मक्का में ही जाता है। ठीक है, बिल्कुल आगे चलते हैं, चलते हैं स्टूडेंट्स अपने सेकंड क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है स्टैटिक अफेयर्स कैटेगरी का आप लोगों के सामने। क्वेश्चन है दिए गए ऑप्शन में से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपको किस शहर में देखने को मिलेगा। नागपुर, पुणे, गुरुग्राम, इंदौर। कहाँ पर है स्टूडेंट्स एयरपोर्ट, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, नागपुर, पुणे, गुरुग्राम या फिर इंदौर। तो स्टूडेंट्स ये जो काफ़ी इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट है ये आपको देखने को मिलेगा महाराष्ट्र के एक शहर नागपुर में। ठीक है, तो नागपुर में आपको डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट देखने को मिल जाएगा। और तो स्टूडेंट्स मुझे लगता है हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट यहाँ पर कुछ है, आगे चलते हैं। बिल्कुल सही विराट, बिल्कुल सही मिनरल। चलते हैं स्टूडेंट्स अपने थर्ड क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है करंट अफेयर्स कैटेगरी का। हमारी कंट्री में पहली बार एक टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया सीनियर सिटीजन के लिए। आपसे पूछा रहे कि वट इज़ द फर्स्ट टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर फॉर सीनियर सिटीजन इन इंडिया। क्या स्टूडेंट जो टोल फ्री नंबर सीनियर सिटीजन के लिए जारी किया गया है वो है 1-4-5-6-7, 1-2-3-4-5, 1-5-6-7-8 या फिर 3-4-5-6-7। कोशिश करो, वट इज़ द फर्स्ट टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर फॉर सीनियर सिटीजन इन इंडिया। तो स्टूडेंट्स एक ऐसा नंबर जहाँ पर जो सीनियर सिटीजन है वो अपना कंसर्न बता सकते हैं, कोई इनको प्रॉब्लम है उस वो शेयर कर सकते हैं, कोई इनको दिक्कत आ रही है उसका सोल्यूशन मांग सकते हैं, हेल्प मांग सकते हैं। ठीक है, ये जो नंबर स्टूडेंट जारी किया गया ये असल नंबर कौन सा है, बिल्कुल सही बता रहे हैं विराट, बिल्कुल सही बता रहे हैं नवील, 1-4-5-6-7 स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर। तो हमारी कंट्री की मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने इस नंबर को जारी किया है, नंबर है 1-4-5-6-7। तो स्टूडेंट्स आपको भी अवेयरनेस फैलाने में मदद करनी चाहिए, अगर आपको लगता है कि आपके घर के आसपास कोई ऐसे एल्डरली हैं जिनको किसी भी तरह की मदद चाहिए तो आप उनको कनेक्ट कर सकते हो या फिर आप उनके लिए नंबर डायल करके मदद मांग सकते हो। ठीक है, आपको भी स्टूडेंट्स पता है हमारी इंडियन सोसाइटी में या फिर इंडियन कंट्री, जो हमारी कंट्री है, कई बार बहुत सारी फैमिलीज़ में आप देखते होंगे कि जो एल्डरली उनको बिल्कुल अच्छे से नहीं रखा जाता, कई बार बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती, कई बार आप देखोगे कि बहुत एल्डरली उनको बिना घर के रहना होता है। तो ऐसे केसेस में अगर आप एक नंबर डायल करके, अगर आपको लगता है यहाँ से कोई मदद मिल सकती है, एक बार फ़ोन करके आप देख सकते हो, अगर आपको लगता है मदद मिल सकती है तो आप थोड़ा सा प्रोसेस शुरू ज़रूर करवा सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं स्टूडेंट्स अपने चौथे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है करंट अफेयर्स कैटेगरी का, आपसे स्टूडेंट्स पूछा जा रहा है कि वो कौन सी स्टेट है जिसने रिसेंटली एक प्रोग्राम को लॉन्च किया है, निर्भया एक पहल प्रोग्राम। तो स्टूडेंट्स ये जो निर्भया एक पहल प्रोग्राम है ना, इसको असल में लॉन्च किया गया है प्रोजेक्ट शक्ति के अंदर, एक स्टेट है उसने प्रोजेक्ट शक्ति को लॉन्च किया हुआ है, उसके अंदर इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया, दिल्ली, यूपी, हरियाणा या पंजाब। इस क्वेश्चन का स्टूडेंट्स बिल्कुल ही सही आंसर है कि इस प्रोग्राम को लॉन्च करने के लिए जो स्टेट है इसका नाम है उत्तर प्रदेश, और ये जो मिशन प्रोजेक्ट शक्ति या फिर एक पहल प्रोग्राम है ये सब कुछ वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ाने के लिए, वुमेन को सेफ्टी देने के लिए, वुमेन को और स्ट्रांग बनाने के लिए इनिशिएटिव लिए जा रहे। ठीक है, तो यूपी गवर्नमेंट लॉन्चेस निर्भया एक पहल प्रोग्राम। चलते हैं स्टूडेंट्स हम अपने पांचवें क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है हमारा करंट अफेयर्स कैटेगरी, आपसे स्टूडेंट्स पूछा रहा है कौन बनने वाले हैं जापान के न्यू प्राइम मिनिस्टर। तो स्टूडेंट्स ये सब कुछ शुरू हुआ जब शिंजो आबे
जिनको लोग पसंद करते थे, अच्छे फेमस थे। शिंजो आबे ने रिज़ाइन कर दिया बिकॉज ऑफ, उन्होंने हेल्थ रीजंस बताया, पर अभी भी पॉलिटिक्स में, तो शायद हो सकता है और भी कोई बात रही हो। फिर आए योशी हिडे सुगा। स्टूडेंट्स, योशी हिडे सुगा की किस्मत भी थोड़ी ख़राब थी इनके आने पर, कोविड भी था और ओलंपिक्स भी, मतलब हमने तो ओलंपिक्स देखे पर जापानीज लोगों को ओलंपिक्स पसंद नहीं थे कि उनकी कंट्री में कराए जा रहे हैं, ठीक है। तो इनको लेके लोगों ने कभी ज़्यादा सपोर्ट दिखाया नहीं। अब इनको हटा के इन्हीं के पार्टी एक और इंसान को पीएम बना रही है, वो कौन होंगे? फुमियो किशिडा, तारो कोना, सनाए तकाची या फिर सिकियो नोडा? तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है कि इनको हटा के जो पार्टी है वो असल में प्राइम मिनिस्टर बना रही है, फुमियो किशिडा का। तो फुमियो किशिडा नए प्राइम मिनिस्टर बनेंगे जापान के। तो ये हैं असल में फुमियो किशिडा, और इस सेम पार्टी से आते हैं, एलडीपी पार्टी, जिससे यहाँ पर असल में शिंजो आबे और योशी हिडे सुगा तीनों एक ही पॉलिटिकल पार्टी से आते थे। ऐसा मत सोचना है कि इलेक्शन हुए हैं, ये एक ही पॉलिटिकल पार्टी ने बस अपना लीडर बदल दिया। आगे चलते हैं, चलते हैं स्टूडेंट्स अपने 6वें क्वेश्चन पे। अच्छा, आज है, मुझे नहीं पता था इनकी कब होगी, मतलब कब शपथ लेंगे। मुझे ये पता था अनाउंस कर देगा, शपथ का नहीं पता था। ठीक है, सुन, चलते हैं अपने 6वें क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है करंट अफेयर्स कैटेगरी का। वो दिए गए ऑप्शन में से वो कौन सी कंट्री है जिसने रिसेंटली अनाउंस किया है कि उन्होंने एक हाइपरसोनिक मिसाइल को टेस्ट किया? सुन, देखो, हवा में जो चीज़ जितनी तेज़ ट्रैवल करती है वो उतनी डेंजरस बन जाती है। एक फाइटर एयरक्राफ्ट जितना तेज़ होता रहेगा स्पीड में, उतना ही डेंजरस है क्योंकि उसको पकड़ ही नहीं पाएगा। अगर कोई चीज़ हवा में साउंड के मुकाबले ज़्यादा तेज़ होता है, साउंड की स्पीड से भी तेज़ होता है, हम उसको बोलते हैं सुपरसोनिक। कोई चीज़ अगर साउंड से तेज़ ट्रैवल करे हम बोलते हैं सुपरसोनिक। जैसे आजकल के फाइटर एयरक्राफ्ट सारे सुपरसोनिक होते हैं, ठीक है, और साउंड की स्पीड को वैसे बुलाते हैं 1 मैक। 1 मैक होता है कुछ 1200 किलोमीटर पर आर की स्पीड। स्टूडेंट्स, हाइपरसोनिक होता है साउंड के मुकाबले 5 से 7 गुना स्पीड, बहुत तेज़ होती है, इसको कोई पकड़ ही नहीं सकता, कोई एयर डिफेंस सिस्टम पहुंच ही नहीं पाएगा इसके आसपास, ठीक है। ये रिसेंटली किसने टेस्ट फायर किया? तो स्टूडेंट्स, हमारे लिए बिल्कुल, मतलब दुनिया के लिए अच्छी न्यूज़ नहीं है क्योंकि ये रिसेंटली टेस्ट फायर कर लिया है नॉर्थ कोरिया ने। एक ऐसी कंट्री जहाँ पर डिक्टेटरशिप है, एक ही इंसान पूरी कंट्री को कंट्रोल कर रहा है, अब इनके पास न्यूक्लियर वेपन भी और इनके पास अब हाइपरसोनिक मिसाइल भी है। तो दुनिया के लिए स्टूडेंट्स एक बहुत ही डेंजरस चीज़ होती जा रही है नॉर्थ कोरिया, ठीक है। आगे चलते हैं, तो नॉर्थ कोरिया सेज इट टेस्टेड हाइपरसोनिक मिसाइल। मतलब पहले तो ये था कि शायद उन्होंने किया, शायद किया, पर बाद में कंफर्म हो गया था बिल्कुल इनकी जो मिसाइल है उसका, ये एक हाइपरसोनिक मिसाइल है जो कि इन्होंने इन्होंने रात के टाइम पे टेस्ट किया जानबूझ के, ताकि दुनिया को ज़्यादा पता न चले, पर बाद में बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ने कन्फर्म कर दिया कि बिल्कुल ये एक हाइपरसोनिक मिसाइल ही है, ठीक है। आगे तो सुन, नॉर्थ कोरिया की कैपिटल क्या है? नॉर्थ कोरिया कैपिटल है प्योंगयांग, और साउथ कोरिया कैपिटल क्या है? साउथ कोरिया कैपिटल है सियोल। तो सियोल और प्योंगयांग, ठीक है, कैपिटल है दोनों कोरियाज की। 7वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कि वो सैटेलाइट का नाम बताओ जिसको रिसेंटली नासा ने लॉन्च किया, और नासा इस सैटेलाइट को बोल रहा है कि ये इनकी नई आंखें होंगी स्पेस में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सैटेलाइट है, अर्थ को अच्छे से समझने में और मदद करेगा, क्लाइमेट चेंज को समझने में बहुत मदद करेगा सैटेलाइट। इसका नाम क्या सैटेलाइट का? लैंडसैट 9, रैगनेक 1, स्पार्टा 2, अर्थसैट 3। कोशिश करो, वट इज़ द नेम ऑफ द सैटेलाइट दैट हैज़ बिन लॉन्च रिसेंटली बाय नासा टू बी इट्स न्यू आईज इन द स्काई? ठीक है स्टूडेंट्स, तो बहुत सारे लोगों ने बिल्कुल सही अटेम्प्ट कर दिया इस क्वेश्चन का आंसर। इस क्वेश्चन का जो स्टूडेंट्स बिल्कुल ही सही आंसर है वो है असल में ऑप्शन नंबर ए, लैंडसैट 9। स्टूडेंट्स, ये ना यूएस वाले ऐसे ही करते हैं, नाम बड़ा इंटरेस्टिंग सा रखने की कोशिश करते हैं कि ऐसा लगे कि सुन के लगे कि पता नहीं क्या बना दिया उन्होंने, पर मतलब कई बार ये नॉर्मल सी चीज़ भी बनाएंगे तो नाम बड़ा अलग सा रखेंगे उसका, ठीक है। आगे चलते हैं, चलो, तो लैंडसैट 9 नासाज न्यू आई इन द स्काई, ठीक है, ये क्लाइमेट चेंज को समझने में सबसे ज़्यादा मदद कर सकता है, बिल्कुल। चलो ठीक है, चलते हैं स्टूडेंट्स अपने 8वें क्वेश्चन पे। इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस ऑफ फूड लॉस एंड वेस्ट, तो जो खाने की बर्बादी की जाती है उसको रोकने के लिए भी एक दिन होता है, इस दिन को कब ऑब्जर्व करते हैं? 29 सितंबर, 28 सितंबर, 27 सितंबर, 26 सितंबर? कोशिश करो, इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस ऑफ फूड लॉस एंड वेस्ट इज ऑब्जर्व एनुअली ऑन विच डे? स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल ही सही आंसर है, ऐसा दिन ऑब्जर्व किया जाता है पूरी दुनिया में ऑन द डेट ऑफ 29th of September। तो स्टूडेंट्स 29 सितंबर को ऐसा एक दिन रहता है जिसको कि हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, तो 29th of September को इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस ऑफ फूड लॉस एंड वेस्ट को ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है। चलते हैं स्टूडेंट्स अपने 9th क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है हमारा करंट अफेयर्स कैटेगरी का, आपसे पूछा जा रहा है कि IAEA, स्टूडेंट्स IAEA की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, दुनिया में कोई कंट्री छुपके से न्यूक्लियर वेपन तो नहीं बना रही, तो
दुनिया में कोई कंट्री न्यूक्लियर पावर कर बना रही है तो किस हिसाब से बना रही है, उस सब की इन्फॉर्मेशन रखता है आईएए, ठीक है। फ्रेंड्स, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने रिसेंटली एक एक्सटर्नल ऑडिटर, ऑडिटर का काम होता है जो इनके लिए चेकिंग करता रहे, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट है एक्सटर्नल ऑडिटर की, इन्होंने रिसेंटली अपॉइंट किया है। ये जो एक्सटर्नल ऑडिटर है ये 5 या 6 साल की टर्म होगी इस इंसान की, 2022 से 2027 तक। इंडिया, यूके और जर्मनी, इन तीन कंट्रीज के बीच में फाइट थी, तीनों में से किसी एक कंट्री के इंसान को एक्सटर्नल ऑडिटर बनाया जाना था और इंडिया इस फाइट को जीत गया, ठीक है, इंडिया जीत गया। आपसे पूछा जा रहा है कि इंडिया में से किन को बनाया गया एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ आईएईए, मनोज सिन्हा, राजीव महेश्वरी, आर के माथुर या फिर जी सी मुर्मू? तो बिल्कुल सही स्टूडेंट्स, आप लोग इस क्वेश्चन का बता रहे हो आंसर, बिल्कुल ही सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जी सी मुर्मू। तो स्टूडेंट जी सी मुर्मू इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। तो जी सी मुर्मू इस टाइम पे क्या है, सी ए जी, कंप्यूटर ऑडिटर जनरल, इससे पहले क्या थे, जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर जी सी मुर्मू, उनको बना दिया गया है एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ आईएईए। आगे चलते चलते हैं स्टूडेंट्स अपने 10वें क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन है करंट अफेयर्स कैटेगरी का आप लोगों के सामने। क्वेश्चन स्टूडेंट्स की थीम बताओ 2021 के वर्ल्ड हार्ट डे का। तो स्टूडेंट्स हार्ट डे ऑब्जर्व किया जाता है 29th of September को, हाँ। तो 2021 के वर्ल्ड हार्ट डे का थीम क्या था, यूज हार्ट टू कनेक्ट, यूज हार्ट फॉर सोसाइटी, योर लव्ड वंस एंड यू, पावर योर लाइफ या फिर योर हार्ट माई हार्ट। कोशिश करो, थीम ऑफ 2021 वर्ल्ड हार्ट डे। तो स्टूडेंट्स असल में 2021 के वर्ल्ड हार्ट डे का जो थीम था वो था ऑप्शन नंबर ए, यूज हार्ट टू कनेक्ट, ठीक है। तो 29th of September को स्टूडेंट्स होता है वर्ल्ड हार्ट डे और सर इस साल का थीम था यूज हार्ट टू कनेक्ट। आगे चलते हैं, बिल्कुल सही नवीन, बिल्कुल सही तरह। चलते हैं स्टूडेंट्स अपने 11वें क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है सोशल स्टडीज़ का, आपसे पूछा जा रहा है कि आपने जंतर मंतर देखे हैं, सुने, ठीक है। जंतर मंतर सिर्फ दिल्ली में नहीं, दिल्ली वाला फेमस बहुत है, पर ये आपको मिलेगा जयपुर में, उज्जैन में, मथुरा में, वाराणसी में, ठीक है, टोटल 5 है जंतर मंतर। आपसे पूछा जा रहा है कि वो कौन से राजा थे जिन्होंने बनवाए थे जंतर मंतर। इसका स्टूडेंट्स मेन काम होता है जंतर मंतर का टाइम, डेज, मंथ का हिसाब रखना, अभी नहीं मतलब पुराने टाइम में इसको यूज़ किया जाता था। तो क्या ये जो जंतर मंतर है बनवाए थे सवाई माधव सिंह ने, राजा मान सिंह ने, राजा तोदरमल ने या फिर जयसिंह टू ने? कोशिश करो, बहुत सारे लोग स्टूडेंट्स बिल्कुल सही अटेम्प्ट कर रहे हैं इस क्वेश्चन का आंसर, बिल्कुल ही जो सही आंसर होना चाहिए स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, जय सिंह टू। तो यहाँ पर देखो बात की गई स्पेसिफिकली दिल्ली वाले की जिसको बनवाया गया था 1724 में, पर उसके अलावा और भी 5 मतलब टोटल और भी 4 बनवाए गए थे, टोटल 5, ठीक है, और महाराजा जय सिंह टू ने असल में इनको बनवाया था ऑफ जयपुर। आगे चलते हैं, स्टूडेंट्स अपने 12वें क्वेश्चन पर, 12th क्वेश्चन, क्वेश्चन है अच्छा क्वेश्चन है सोशल स्टडीज़ का कि जो एक ट्रेन है मैत्री एक्सप्रेस ये ट्रैवल करती है इंडिया और किस कंट्री के बीच में, मैत्री एक्सप्रेस इंडिया और किस कंट्री के बीच में, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया नेपाल, इंडिया बांग्लादेश, इंडिया भूटान? कोशिश करो, द ट्रेन मैत्री एक्सप्रेस ट्रैवल्स बिटवीन इंडिया एंड विच अदर कंट्री, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश या फिर भूटान? तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है कि ये जो ट्रेन है ये असल में ट्रैवल करती है इंडिया और किस कंट्री के बीच में, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, ठीक है। तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में स्टूडेंट्स हिस्ट्री से मतलब पहले से ही 5 रूट्स से ट्रैवलिंग के ट्रेन बाय ट्रेन, पर ये सारे बंद कर दिए गए थे 1965 की लड़ाई के दौरान, ठीक है, 1965 की लड़ाई जो हमने की तो पाकिस्तान के साथ ही, पर तब आपको पता होना चाहिए बांग्लादेश पाकिस्तान का पार्ट होता था, उसको ईस्ट पाकिस्तान बुलाते थे, तो हमने सारे ट्रेन रूट्स बंद कर दिए। उसके बाद फिर 1971 की वॉर में बांग्लादेश को इंडिपेंडेंस दिलवा के एक नई कंट्री बनाया गया, और उसके बाद धीरे 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 जो सारे रूट्स हैं इनको खोला जाना शुरू कर देगा। तो मैत्री एक्सप्रेस भी उनमें मतलब मैत्री एक्सप्रेस उनमें से एक रूट पे एक ट्रेन चलती है उसका नाम, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, चलते हैं अपने 13th क्वेश्चन। क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारा फाइनेंस और बैंकिंग का, आपसे पूछा जा रहा है कि रिसेंटली एक जीओएम बनाया गया, जीओएम होता है ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, तो एक जीओएम बनाया गया, इसके हेड कौन है? इस जीओएम का काम है कि गवर्नमेंट को बहुत सारी रिकमेंडेशन देना कि जीएसटी के अगर स्लैब्स मर्ज किए जा सकते हैं, टैक्स की रैशनलाइजेशन, मतलब टैक्स रिलेटेड इशू पे ये जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स है ये अपनी रिकमेंडेशन देंगे सरकार को, ठीक है। इसमें ज़्यादातर जो मिनिस्टर हैं वो स्टेट मिनिस्टर हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि कौन इस जीओएम का हेड कौन है, बुगना राजेंद्रनाथ, के एन बालागोपाल, अमित मित्रा, बसवराज एस बुमाई? ठीक है, तो स्वप्ना ने स्टूडेंट्स बिल्कुल सही अटेम्प्ट कर दिया इस क्वेश्चन का आंसर। इस क्वेश्चन का जो स्टूडेंट्स बिल्कुल ही सही आंसर है वो है असल में ऑप्शन बी, बस बिल्कुल सही, बस वर्षा
बसवराज एस बोम्मई स्टूडेंट्स, जो कि असल में सीएम है, कौन सी स्टेट के, कर्नाटका के। तो जो कर्नाटका के सीएम है, ठीक है, पहले बी एस येदियुरप्पा थे, उनके बाद तो अभी कुछ दिन पहले बनाया गया बसवराज एस बोम्मई को, इनको स्टूडेंट्स असल में इस जीओएम का लीडर बनाया गया, हेड बनाया गया, ठीक है, समझ लेते हैं। तो कर्नाटका सीएम हेड्स पैनल टास्क विद रीस्ट्रक्चरिंग मर्जिंग मल्टीपल स्लैब्स ऑफ जीएसटी, ठीक है, आगे चलते हैं। एक सेकंड में जल्दी से ना ये एक सेकंड, बस एक मिनट मुझे दे दो। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। चलते हैं सुन, हम अपने 14th क्वेश्चन पे, तो इसके साथ सुन हमारा पार्ट फोर भी खत्म हो रहा है, इसके बाद दो और पार्ट बचे हैं, ठीक है। 14th क्वेश्चन है फाइनेंस और बैंकिंग का। क्वेश्चन है कि गवर्नमेंट ने क्या बोला कि जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015-20 के हिसाब से बनाई गई थी, अब उसको थोड़ा एक्सटेंड किया जा रहा है। अगर कोविड वगैरह शायद ना आया था तो हम नहीं बना लेते, पर अभी तो गवर्नमेंट कह रही है पुरानी वाली को चलने देंगे। कब तक के लिए एक्सटेंड कर देंगे? अक्टूबर 31, 2021, डिसंबर 31, 2021, मार्च 31, 2022, जनवरी 31, 2022। कोशिश करो। वट इज़ द एक्सटेंडेड टेन्योर ऑफ द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015-20 ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री? इस क्वेश्चन का जो स्टूडेंट्स बिल्कुल ही सही आंसर है कि असल में 2015-20 की जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, इसको चलने देंगे और बढ़ा दिया जाएगा टिल 31 मार्च 2022, ठीक है। तो सुनो, 2022 तक इसी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को चलने देंगे, तो जो भी हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो भी गवर्नमेंट ने सेटअप किया था 2015-20 के लिए, उसी को भी आगे बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। ठीक है सुनो, इसके साथ हमारा यहाँ पर पार्ट फोर भी हो गया खत्म। अब चलते हैं अपने पार्ट फाइव पे। पार्ट फाइव का सुनो पहला क्वेश्चन स्टैटिक अफेयर्स कैटेगरी का आप लोगों के सामने। भाखड़ा डैम जो आपके हिमाचल प्रदेश में मिलेगा, ये किस नदी के ऊपर बनाया गया? बिल्कुल नेपाल पुजारी, सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है 14th का। आप चलते हैं सुनने अगले पार्ट पे, फिफ्थ पार्ट का पहला क्वेश्चन। भाखड़ा डैम इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज बिल्ट अक्रॉस विच रिवर, किस नदी पे इस डैम को बनाया गया? सतलुज, ब्यास, रावी, नर्मदा। तो स्टूडेंट्स आपको पता है बहुत ही इंपॉर्टेंट डैम है, वैसे बुलाते हैं भाखड़ा नंगल है, पर आपको बताना चाहिए भाखड़ा डैम अलग है, नंगल अलग है, इनके बीच में 15-20 किलोमीटर का फर्क है। दोनों भाखड़ा नंगल पंजाब हिमाचल बॉर्डर पर मिलते हैं ये स्टूडेंट्स, असल में दोनों डैम बने हुए ऑन द रिवर सतलुज, सतलुज नदी पे बने हुए, ठीक है। तो भाखड़ा डैम असल में आपको मिलेगा सतलुज नदी के ऊपर, इसको ओपन किया गया था 1963, ठीक है, आगे चलते हैं। बिल्कुल नंगल पंजाब में और भाखड़ा हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। चलते हैं स्टूडेंट्स अपने सेकंड क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है हमारा स्टैटिक अफेयर्स कैटेगरी का आप लोगों के सामने। क्वेश्चन है दिलवारा टेम्पल्स, स्टूडेंट्स दिलवारा टेम्पल्स आपको देखने को मिलेंगे दिए गए ऑप्शन में से किस स्टेट में? दिलवारा टेम्पल्स आर लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? बहुत ही फेमस टेम्पल्स हैं, मतलब सेट ऑफ टेम्पल्स हैं, काफ़ी सारे मंदिर हैं। क्या ये कर्नाटका में, गुजरात में, मध्य प्रदेश या राजस्थान में? कोशिश करो। तो दिलवारा टेम्पल्स आर लोकेटेड इन विच ऑफ दी स्टेट्स? कर्नाटका, गुजरात, मध्य प्रदेश या फिर राजस्थान? इस क्वेश्चन का जो स्टूडेंट्स बिल्कुल सही आंसर है, दिलवारा टेम्पल्स आपको देखने को मिलेंगे राजस्थान, ठीक है। तो दिलवारा या देवदारा ये असल में जैन टेम्पल है, जो कि आपको मिलेंगे माउंट आबू, जो कि एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है राजस्थान में, और माउंट आबू आपको देखने को मिलता है सिरोही डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पर आपको यही टेम्पल्स देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, आगे चलते हैं। चलते हैं रजत फुल वीक करंट फेज का जो क्लास का शेड्यूल है ये मैं देखो सुन, वैसे तो मेरा पूरे हफ्ते का शेड्यूल है लेट्स क्रैक बैंक एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पे होता है। मैं वाईफाई स्टडी पे आता हूँ सैटरडे दोपहर को 4 बजे या शाम को 4 बजे, कैटेगरी वाइज रिवीजन की क्लास, जैसे कल हमने रिपोर्ट्स और इंडेक्स इनकी रिवीजन करी थी कल शाम को, और फिर स्टूडेंट्स मेरी संडे तो सुबह क्लास होती है 12 बजे फुल वीक करंट फिर रिवीजन क्लास। ये फुल वीक करंट फिर रिवीजन क्लास स्टूडेंट्स फ्राइडे शाम को लेट्स क्रैक बैंक एग्जाम्स पे भी होती है, ठीक है। आई होप रजत आपका डाउट क्लियर हो चुका है, ठीक है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेट किया है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी CIPET, वर्चुअली इसको इनॉग्रेट किया गया रिसेंटली, कहाँ पर? 30 सितंबर को। बहुत सारे लोगों ने बिल्कुल सही अटेम्प्ट कर दिया स्टूडेंट, जयपुर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी इनॉग्रेट CIPET, इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी, जयपुर। आगे चलते हैं, चलते हैं अपने चौथे क्वेश्चन में स्टूडेंट्स। क्वेश्चन है करंट अफेयर्स कैटेगरी का।
नजला बोडेन, जिनको आप इस पिक्चर में देख पा रहे हो, इनको स्टूडेंट्स रिसेंटली बनाया गया है, अनाउंस किया गया फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर डेजिग्नेट किस कंट्री का, किस कंट्री के स्टूडेंट्स ये पहले पहले फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं, अल्जीरिया, लीबिया, चैट, तुनिसिया, कोशिश करो कौन सी कंट्री के पहले फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, अल्जीरिया, लीबिया, चैट या तुनिसिया। तो सुनो नजला बोडेन जिनको आप इस पिक्चर में देख रहे हो ये असल में बनेंगे पहले फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री ऑफ तुनिसिया। बिल्कुल सही विकास ने, बिल्कुल सही बता दिया तनु ने, बिल्कुल सही बता दिया। सुनो तुनिसिया के पहले फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो स्टूडेंट्स अगर आप देखो ध्यान से, ये अफ्रीका है, अफ्रीका में अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में जो नॉर्दर्न अफ्रीका का पार्ट है, यहाँ एक कंट्री है तुनिसिया, इसकी कैपिटल बड़ी आसान है स्टूडेंट्स, कैपिटल है तुनिस, तुनिसिया कैपिटल तुनिस, ठीक है। और यहाँ पर जो नजला बोडेन है स्टूडेंट्स, ये बनेंगे इस कंट्री के पहले फीमेल प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल पुजारी, डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलो ठीक है स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं, चलते हैं अपने पाँचवें क्वेश्चन में। स्टूडेंट्स ये जो चीज़ है ना, इसके बारे में बड़ी बात हो रही है दुनिया में, दुनिया में एक कंट्री है जहाँ के प्रेसिडेंट को प्रिजन एमरजेंसी डिक्लेयर करनी पड़ गई। आपने नेशनल एमरजेंसी सुनी होगी, फाइनेंशियल एमरजेंसी, फूड एमरजेंसी श्रीलंका में लगी थी, पर इन्होंने प्रिजन एमरजेंसी लगा दी। क्यों? क्योंकि इनके स्टूडेंट्स प्रिजन में, जेलों में दंगे हुए और उसमें 116 लोग मारे गए, जो इनके कैदी थे उनके पास पिस्टल्स, नाइफ, बहुत कुछ मिला, ठीक है। तो जेल के दंगों में 116 का भी नंबर बढ़ के 118 हो चुका है, और बड़े सारे लोग तो स्टूडेंट्स यहाँ पर बी हेड कर दिए गए, मतलब उनका हेड भी, जो स्कल था वो भी निकाल दिया गया। बहुत ही बारबेरिक तरीके से यहाँ पर ये राइड्स हुए। आपसे पूछा रहे किस कंट्री में ऐसा हुआ, पेरू, वेनेजुएला, इक्वाडोर, बोलीविया, कोशिश करो। बिल्कुल सही, तो स्टूडेंट्स आप में से काफ़ी सारे लोगों ने बिल्कुल सही आंसर करना शुरू कर दिया है, बिल्कुल सही आंसर इक्वाडोर। विकास से भी नंबर 116 से 118 हो गया, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा डेंजर, मतलब ख़राब चीज़ थी जो इस कंट्री में हुई। और अगर आप इस मैप को स्टूडेंट्स देखो तो साउथ अमेरिका में आपको यहाँ पर मिलेगा इक्वाडोर, इसकी कैपिटल है क्योटो, ठीक है। और इक्वाडोर डिक्लेयर प्रिजन एमरजेंसी आफ्टर ये 116, अब नंबर बढ़ के 118 हो चुका है, 118 किल्ड इन राइट, राइट मतलब दंगे। आगे चलते हैं, चलते हैं अपने छेवें क्वेश्चन में। ये तो स्टूडेंट्स वैसे मैं आपको करा चुका हूँ, चलो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा सकते हो तो आप ऐसे भी कर सकते हो उसको अटेम्प्ट। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट F1 ड्राइवर टू विन 100 रेसेस, तो आज तक पहले F1 के ड्राइवर कौन है जिन्होंने 100 रेसेस जीती F1 में? फर्नैंडो अलोंसो, लुइस हैमिल्टन, सेबेस्टियन वेटल, किमी रायकन, कोशिश करो। बिल्कुल, इसलिए उसका नाम भी वहीं से इक्वेटर पड़ा है, क्योंकि वो इक्वेटर के पास है। बिल्कुल विकास, बिल्कुल कोशिश करो स्टूडेंट छेवें क्वेश्चन को अटेंड करने की। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट F1 ड्राइवर टू विन 100 रेसेस, तो स्टूडेंट 100 रेसेस जीतने वाले पहले F1 ड्राइवर कौन है? अभी आपको ये बताया, क्या नाम है इनका, लुइस हैमिल्टन। ये आते हैं UK से और ये रेस करते हैं एक कंपनी के लिए जिसका नाम है मर्सिडीज बेंज, ठीक है। तो अगर स्टूडेंट्स आप देखो, लुइस हैमिल्टन बिकम्स फर्स्ट F1 ड्राइवर टू विन 100 रेसेस। आगे चलते हैं, चलते हैं स्टूडेंट्स हम अपने सातवें क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है करंट अफेयर्स कैटेगरी का। दुनिया में स्टूडेंट्स एक स्पोर्ट्स का कप होता है, इसको बोलते हैं राइडर कप, ये गोल्फ में होता है, गोल्फ में। तो 2021 का राइडर कप किस टीम ने जीता है? ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, यूनाइटेड स्टेट्स, इटली, कोशिश करो। विच टीम हैज़ वॉन दी 2021 राइडर कप? ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, यूनाइटेड स्टेट्स या फिर इटली? तो स्टूडेंट जो 2021 का राइडर कप है, इसको जीतने वाली जो टीम है उसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, यूनाइटेड स्टेट्स। तो स्टूडेंट्स US की टीम ने जीत लिया है 2021 का राइडर कप, ठीक है। तो टीम USA विंस राइडर कप 2021। आगे चलते हैं, चलते हैं स्टूडेंट्स हम अपने आठवें क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का, ठीक है। आपसे पूछा रहा है चैंपियंस पोर्टल रिसेंटली बड़ा न्यूज में है, बिल्कुल सही बता रहे हो विकास की चीजों को याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि उसके बारे में थोड़ी सी कहानी समझ लो कि ये हो क्या रहा है, ये कहानी है क्या, ठीक है। मैं भी कोशिश करता हूँ जहाँ मुझे आप, मैं आपको थोड़ी कहानी में सुना सकूँ, मैं सुना दूँ। ठीक है, ठीक है सुनो। तो क्वेश्चन है चैंपियंस पोर्टल रिसेंटली बड़ा न्यूज़ में था। असल में इस पोर्टल पे 50 लाख रजिस्ट्रेशन पूरी हुई है। इस पोर्टल को लॉन्च किसने किया था? मिनिस्ट्री ऑफ स्टील, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री या फिर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स? तो सुन, जो चैंपियंस पोर्टल रिसेंटली न्यूज़ में था ना, असल में इसको लॉन्च किया था पिछले साल 2020 में, इसको लॉन्च किया था MSME मिनिस्ट्री के द्वारा। और चैंपियंस पोर्टल का काम क्या है? हमारी कंट्री के जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, मतलब बहुत बड़ी जो कंपनीज हैं, जो नॉर्मल साइज़ की, स्मॉल साइज़ की कंपनीज हैं, उनकी जो भी प्रॉब्लम है, उनके जो भी उनको प्रॉब्लम फेस करनी है, उसका सलूशन निकालना, ये मेन मोटिव है चैंपियंस पोर्टल, ठीक है। ठीक है, तो
और तो नहीं मुझे लगता कुछ इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आगे चलते हैं। एमएसएमई होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। चलते हैं स्टूडेंट्स अपने 9th क्वेश्चन में। क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का आर्टिकल, आपसे पूछा रहा हैव अ सॉन्ग 8। ये भी स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन आता है, हमने किया हुआ हैव अ सॉन्ग 8 एक नई हाइपरसोनिक मिसाइल। हाइपरसोनिक मिसाइल ऐसी मिसाइल होती है जो साउंड के मुकाबले 5 से 7 गुना स्पीड पर ट्रैवल कर सके हवा में। हैव अ सॉन्ग 8 एक न्यू हाइपरसोनिक मिसाइल है, इसको रिसेंटली सक्सेसफुल टेस्ट फायर किया किस कंट्री ने? नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जापान या फिर ताइवान? कोशिश करो। तो स्टूडेंट्स अभी हमने किया था इसका बिल्कुल जो सही आंसर है वो है असल में ऑप्शन नंबर ए, नॉर्थ कोरिया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी आपको बताया कि रिसेंटली नॉर्थ कोरिया ने एक हाइपरसोनिक मिसाइल को टेस्ट किया जो दुनिया के लिए एक बड़ी खतरनाक चीज़ है, क्योंकि इनके पास न्यूक्लियर वेपन भी है, इनके पास अब हाइपरसोनिक मिसाइल भी है, और ये एक रोग नेशन है। मतलब यहाँ पर कोई इनका एक डिक्टेटरी है वही कंट्री को चला रहा है, कल को इनका क्या मन करे, क्या दिमाग खराब हो, किसी को कुछ नहीं पता। ठीक है आगे चलते हैं। नॉर्थ कोरिया, इसकी कैपिटल है पियोंगयांग और किम जोंग उन इनका डिक्टेटर है। आगे चलते हैं, चलते हैं स्टूडेंट्स अपने 10वें क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का, ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है वो कौन सी मिनिस्ट्री है जिसने रिसेंटली लॉन्च किया है इंडिया का पैन इंडिया हेल्पलाइन फॉर सीनियर सिटीजन, जिसका नाम है एल्डर लाइन। ये भी स्टूडेंट्स हमने अभी किया। हमारी कंट्री में एक नंबर लॉन्च किया गया है, तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन है हमारी कंट्री में रिसेंटली एक टेलीफोन नंबर लॉन्च किया गया है। ये जो लाइन है टेलीफोन लाइन, ये है एल्डर लाइन। हमारी कंट्री के जो सीनियर सिटीजन हैं जो कि एल्डरली हैं, उनको जो भी मदद चाहिए, जो भी प्रॉब्लम है, वो यहाँ से इस नंबर से बात करके पूछ सकते हैं। इसको लॉन्च किस मिनिस्ट्री ने किया? सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स, IT, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज या माइनॉरिटी अफेयर? स्टूडेंट्स बिल्कुल ही सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। नंबर बिल्कुल सही बता रहे हैं यहाँ पर स्वप्ना, 14567 ये नंबर लॉन्च किया गया। ठीक है आगे चल, हमने अभी तो किया इसको। 11वां क्वेश्चन, क्वेश्चन है दिए गए ऑप्शन में से सिटिंग कैपेसिटी, बैठने की कैपेसिटी के हिसाब से हमारी कंट्री का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है? विच वन इज द बिगेस्ट स्पोर्ट्स स्टेडियम इन इंडिया बाय कैपेसिटी वाइज? एडन गार्डन कोलकाता, सॉल्ट लेक स्टेडियम कोलकाता, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम दिल्ली, नरेंद्र मोदी स्टेडियम मोटेरा? बताओ। बैठने की कैपेसिटी के हिसाब से हमारी कंट्री का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है? तो स्टूडेंट्स आपको पता है आज से कुछ महीने पहले मोटेरा स्टेडियम का ऑफिशियली नाम चेंज किया गया नरेंद्र मोदी स्टेडियम के नाम पे। ठीक है, और ये हमारी कंट्री का सबसे बड़ा स्टेडियम है स्टूडेंट्स कैपेसिटी के हिसाब से। ठीक है, और देखा जाए तो इसकी स्टूडेंट्स बैठने की कैपेसिटी है 1,32,000 लोगों की। तो क्रिकेट का स्टेडियम है इंडिया में सिटिंग के हिसाब से सबसे बड़ा, उसके बाद सॉल्ट लेक और उसके बाद एडन गार्डन, ये दोनों कोलकाता में है, दोनों ही एक फुटबॉल का और एक क्रिकेट का। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये हमारी कंट्री के सबसे बड़े स्टेडियम है। आगे चलते हैं, चलते हैं अपने 12वें क्वेश्चन में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है सोशल स्टडीज का, आपसे पूछा रहा है टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियर बॉम्ब जो टेस्ट किए गए थे इंडियन आर्मी के द्वारा पोखरण टेस्ट रेंज 1988 में, असल में कितने थे? हमने कितने न्यूक्लियर बॉम्ब स्टूडेंट्स टेस्ट किए थे? टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट एक्सप्लोजन कंडक्टेड बाय द इंडियन आर्मी इन पोखरण टेस्ट रेंज इन 1998, क्या हमने टोटल 2 बॉम्ब्स को टेस्ट किया था, 3 को किया था, 4 को या 5 को? कोशिश करो। तो स्टूडेंट्स असल में हमने जो देखो हमने 2 बार न्यूक्लियर टेस्ट किए, एक को बुला लेते हैं पोखरण वन, एक को बुलाते हैं पोखरण टू। पोखरण क्या है? ये जगह है राजस्थान में जहां हम न्यूक्लियर बॉम्ब को टेस्ट करते हैं अपने। ठीक है, तो जो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर 1998 में न्यूक्लियर टेस्ट किए थे उसमें टोटल 5 बॉम्ब्स को टेस्ट किया गया था। ठीक है, टोटल 5 बॉम्ब्स को टेस्ट किया गया था। तो पहली बार न्यूक्लियर टेस्ट इंडिया ने किए थे 1974 में। ठीक है, पहली बार 1974 में हमने टेस्ट किया था, तब इंदिरा गांधी जी की सरकार थी। दूसरी बार स्टूडेंट्स हमने किया था 1998 में, तब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। ठीक है, तो दूसरी बार जब हमने टेस्ट किया तो टोटल 5 बॉम्ब्स को हमने टेस्ट किया था। बिल्कुल, तो स्टूडेंट्स मद्रास कैफे और परमाणु 2 मूवीज हैं, दोनों जॉन अब्राहम जी की, दोनों मूवीज बहुत इन्फॉर्मेटिव। परमाणु मूवी पोखरण 2 के बारे में, और जो मद्रास कैफे वो श्रीलंका में जो सिविल वॉर थी उसके बारे में। ठीक है आगे चलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलते हैं हम अपने 13th क्वेश्चन पे। स्टूडेंट्स क्वेश्चन है किनको बुलाया गया था एज चीफ गेस्ट एट द ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल 2021? इसको ऑर्गेनाइज किया था पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया, फिनटेक कन्वर्जेंस काउंसिल और इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। स्टूडेंट्स ये तो सिंपल चीज़ है,
फिनटेक होता है फाइनेंस और टेक्नोलॉजी। जब फाइनेंस रिलेटेड कोई चीज़ है तो किसको बुलाएंगे, कौन सेंस सबसे ज़्यादा बनती है चीफ गेस्ट बुलाने की, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर को। तो निर्मला सीतारमन जी यहाँ पर हमारे चीफ गेस्ट, ठीक है। तो ये जो ग्लोबल फिनटेक फेस्ट है इसको बोला जा रहा है, मतलब कोई ऐसे कन्फर्म नहीं, पर बोला जा रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा वर्ल्ड लार्जेस्ट फिनटेक फेस्टिवल। फिनटेक होता है जब फाइनेंस और टेक्नोलॉजी को जोड़ दिया, जैसे फास्टैग है, यूपीआई, ये सब फिनटेक के एग्जाम्पल है, ठीक है। ठीक है सुन, तो चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे। ये कौन सा पार्ट है, पार्ट फोर्थ है या पार्ट फिफ्थ है, प्लीज़ बताना अगर आप से किसी को याद है पार्ट फोर्थ है या पार्ट फिफ्थ है। क्वेश्चन है, एनपीसीआई ने पार्टनरशिप करी है किस बैंक के साथ ताकि लॉन्च किया जा सके रुपे ऑन दी गो। रुपे ऑन दी गो क्या सुन, ये बिना कॉन्टैक्ट के, मतलब जैसे कार्ड नंबर डालना वो सब भी नहीं करना, बस टच की और पेमेंट होगी। तो रुपे रुपे आपको पता है, रुपे के कार्ड आते हैं जैसे वीज़ा और मास्टर कार्ड, ऐसे रुपे कार्ड आते हैं। तो एनपीसीए ने पार्टनरशिप करी किस बैंक के साथ ताकि रुपए ऑन दी गो कॉन्टैक्टलेस पेमेंट सॉल्यूशंस को लेकर आया जा सके। एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, येस बैंक या कोटक महिंद्रा बैंक। तो स्टूडेंट्स, एनपीसीए ने पार्टनरशिप करी है जिस बैंक के साथ, उसका बिल्कुल सही आंसर है येस बैंक, ठीक है। तो येस बैंक के साथ पार्टनरशिप की गई है ताकि रुपए ऑन दी गो कॉन्टैक्टलेस पेमेंट सॉल्यूशंस को लेकर आया जा सके। तो आप देख सकते हो एनपीसीए पार्टनर्स विद येस बैंक टू लॉन्च रुपे ऑन दी गो, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके साथ आई होप, एक बार चेक कर लेता हूँ, शायद ये हमारा स्टूडेंट्स आज की क्लास का, ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आज हमारा लास्ट पार्ट है, बस आखिरी पार्ट बचा है स्टूडेंट्स हमारा, जल्दी से इसको ख़त्म करते हैं, आखिरी 14 क्वेश्चन, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 6 पार्ट का पहला क्वेश्चन है स्टैटिक अफेयर्स कैटेगरी का आप लोगों के सामने। क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, दिए गए ऑप्शन में से दियोदर ट्रॉफी किस स्पोर्ट के साथ जुड़ी है, विद विच ऑफ दीज स्पोर्ट इज द दियोदर ट्रॉफी एसोसिएटेड, टेनिस, हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट। तो टेनिस मतलब लॉन टेनिस। तो स्टूडेंट, जो दियोदर ट्रॉफी है ना, ये असल में इंडिया में क्रिकेट में दी जाती है, डोमेस्टिक क्रिकेट में, डोमेस्टिक मतलब जो कंट्री के अंदर ही खेला है, ठीक है। तो क्रिकेट से जुड़ी हुई है दियोदर ट्रॉफी, और इसको 1974 से दिया जा रहा है दियोदर ट्रॉफी। आगे चलते हैं, सेकेंड क्वेश्चन स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है एक बहुत ही स्टैटिक अफेयर्स क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसका काम है दुनिया में जो भुखमरी उसको खत्म कर दिया जाए, यूनाइटेड नेशन के अंदर काम करती है। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है, एफएओ के, न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स, वेना ऑस्ट्रिया, रोम इटली, लंडन यूनाइटेड किंगडम। द हेडक्वार्टर्स ऑफ एफएओ इज सिचुएटेड इन, तो स्टूडेंट्स बिल्कुल सही आंसर है, एफएओ के हेडक्वार्टर्स आपको देखने को मिलेंगे रोम इटली में। तो रोम इटली में आपको एफएओ के हेडक्वार्टर्स देखने को मिल जाए, ठीक है। तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर्स रोम इटली, फाउंड किया गया था इसको 1945 में, 1945, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, चलते हैं सुन हमने थर्ड क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है करंट अफेयर्स कैटी का, वो कौन सी कंट्री के वाइस प्रेसिडेंट है जो कि इंडिया की विजिट पे आए हुए हैं 1 से 4 अक्टूबर के बीच में, कोलंबिया, अर्जेंटीना, ब्राज़ील या साउथ अमेरिका। तो सुन अगर तो देखो प्रेसिडेंट आए होते तो फिर भी बहुत बड़ी न्यूज़ बनती है, पर वाइस प्रेसिडेंट की न्यूज़ हम कई बार मिस कर देते हैं, ठीक है। तो असल में एक कंट्री है जिसका नाम है कोलंबिया, मैं आपको मैप पे दिखा देता हूँ। कोलंबिया के जो स्टूडेंट्स वाइस प्रेसिडेंट है वो असल में आए हुए इंडिया के विजिट पे, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये रहा साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, यहाँ पर आपको मिलेगा कोलंबिया, इसके कैपिटल बोगोटा, आपने वो बहुत सुना होगा पैब्लो एस्कोबार के, वो असल में इसी कंट्री से थे, ठीक है। और इनका नाम है कोलंबिया के वाइस प्रेसिडेंट और फॉरेन मिनिस्टर दोनों ये संभालते हैं, मर्ता लूसिया रमरेस, ठीक है, ये आए हुए हैं इंडिया के विजिट पे। आगे चलते हैं, चलते हैं स्टूडेंट्स अपने चौथे क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन है करंट अफेयर्स कैटेगरी, आपसे पूछा जा रहा है, इंडिया ने नेगोशिएशन शुरू कर दिए हैं किसी एक कंट्री के साथ ताकि हम उस कंट्री के साथ कॉम्प्रीहेंसिव इकोनॉमिक कॉपरेशन एग्रीमेंट को साइन कर सकें। स्टूडेंट्स इसको ना नॉर्मल लैंग्वेज में एफटीए बुला लेते हैं, फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट, सॉरी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। किस कंट्री के साथ हमने फिर से बातचीत शुरू कर दी है कि आप हमारे साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करो। एफटीए साइन करने के बाद ट्रेड बढ़ जाता है, दोनों कंट्रीज एक दूसरे के ऊपर जो टैक्स लगाती है वो कम हो जाती है, वैसे इंटरनेशनल ट्रेड में टैक्स को टैरिफ बुलाते हैं। क्या हमने रिसेंटली एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉपरेशन एग्रीमेंट को फिर से स्टार्ट करने की कोशिश, मतलब फिर से बातचीत शुरू करी है फ्रांस के साथ, रशिया के साथ, ऑस्ट्रेलिया, जापान, कोशिश करो। बहुत, हाँ बिल्कुल, नार्कोस बहुत अच्छा शो है, अगर कभी किसी को टाइम मिले आप देख सकते हो। बिल्कुल सही सुन, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है कि ब्लैंक डिस्प्ले, यार सब कुछ मुझे तो ठीक लग रहा है। मॉन रॉय, एक बार प्लीज़ आप अपना बैकग्राउंड से बंद करो, यूट्यूब को फिर से स्टार्ट करो। स्टूडेंट्स ऑस्ट्रेलिया इसका बिल्कुल सही आंसर, हम चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया के साथ एक एफटीए साइन हो जाए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, हमने फिर से बातचीत शुरू कर दी है। होप इस बार ऑस्ट्रेलिया के साथ एक एफटीए इंडिया साइन कर पाए और इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का ट्रेड बढ़ पाए, ठीक है।
आगे चलते हैं, चलते हैं अपने पांचवें क्वेश्चन पर। स्टूडेंट्स क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का, ठीक है। हेलो अंजलि, राम राम। क्वेश्चन स्टूडेंट्स की, हमारी कंट्री के सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसी एक इंडियन स्टेट की 3 डिस्ट्रिक्ट्स में और 6 महीने के लिए आफ्सा लगवा दिया। आफ्सा क्या होता है स्टूडेंट्स? आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। आपने कभी सोचा होगा कि कश्मीर में या फिर कुछ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में आर्मी की डिप्लॉयड होती है। स्टूडेंट्स आर्मी वहीं डिप्लॉयड है जहाँ आफ्सा लगा हुआ है। आफ्सा ऐसी जगह लगाया, ऐसी जगहों पर लगाया जाता है जहाँ पर सिचुएशन ऐसा लगता है कि शायद थोड़ी सी कंट्रोल से बाहर है या सिचुएशन नॉर्मल नहीं है, ठीक है। तो कौन सी स्टेट है जिसके 3 डिस्ट्रिक्ट्स में सेंट्रल गवर्नमेंट ने और 6 महीने के लिए आफ्सा को इम्प्लीमेंट करवा दिया है? सिक्किम, गोवा, अरुणाचल प्रदेश या फिर वेस्ट बंगाल? इस क्वेश्चन का जो स्टूडेंट्स बिल्कुल ही सही आंसर है वो है असल में ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, बिल्कुल सही पुजारी। तो गवर्नमेंट एक्सटेंड्स आफ्सा आर्म फोर्सेज स्पेशल पावर्स एक्ट इन 3 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं, चलते हैं अपने 6वें क्वेश्चन में। स्टूडेंट ये तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। रिसेंटली हुरन इंडिया रिच लिस्ट 2021 जारी कर दी गई है। इसमें अगमुत क्या होता है? अगमुत, अब इसका अगमुत का मुझे वो नहीं याद आ रहा। इसमें आती है मणिपुर, मतलब अगमुत कैडर होता है, जैसे आपने सुना है राजस्थान कैडर, मध्य प्रदेश कैडर, आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, ऐसे अगमुत कैडर होता है, ठीक है। अगमुत में आता है, अब तो इसमें जम्मू एंड कश्मीर को भी डाल दिया गया है, इसमें अरुणाचल प्रदेश आता है, इसमें गोवा आता है, मणिपुर आता है, ठीक है। इस तरह से अगमुत होता है, ऐसा होता है, गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और सारी यूटीज, ये होती है अगमुत। यूटी का मतलब होता है सारी यूटीज, ठीक है। ये अगमुत एक अलग ही कैडर होता है आईएएस ऑफिशियल्स के लिए। अब इसमें जेएनके को भी शामिल कर दिया गया क्योंकि जेएनके एक यूटी बन चुका है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारी कंट्री के सबसे रिच आदमी लगातार 10वें साल मुकेश अंबानी हमारी कंट्री के सबसे रिच आदमी और एशिया के अभी भी सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी है। स्टूडेंट्स अगर आपको 10 के 10 नाम बताऊं तो मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, शिव नदार, एस पी हिंदुजा, एल एन मित्तल, साइरस पूनावाला, राधा कृष्ण दमानी, विनोद शांतिलाल, कुमार मंगलम और जय चौधरी, ये 10 सबसे अमीर लोग हैं स्टूडेंट्स हमारी कंट्री के, ठीक है। आगे चलते हैं, 7वां क्वेश्चन स्टूडेंट्स। क्वेश्चन है वर्ल्ड मैरीटाइम डे हर साल ऑब्जर्व किया था किस डेट को? स्टूडेंट्स मैरीटाइम इंडस्ट्री शिपिंग इंडस्ट्री को बुला लेते हैं, ठीक है। वर्ल्ड मैरीटाइम डे हर साल ऑब्जर्व करते हैं 1 अक्टूबर को, अक्टूबर के पहले फ्राइडे को, सितंबर के लास्ट थर्सडे को या फिर 30 सितंबर को, कोशिश करो। व्हेन इज द वर्ल्ड मैरीटाइम डे ऑब्जर्व? तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल ही सही आंसर है, वर्ल्ड मैरीटाइम डे को ऑब्जर्व किया जाता है हर साल ऑन द डेट ऑफ सॉरी ऑन द डे ऑफ लास्ट थर्सडे ऑफ सितंबर। तो स्टूडेंट्स सितंबर का जो, बिल्कुल गौतम अंबानी ने, गौतम अडानी, बिल्कुल सही। तो स्टूडेंट्स हर साल सितंबर का जब आखिरी थर्सडे आता है, जो इस साल पड़ा 30 सितंबर को, तब हम वर्ल्ड मैरीटाइम डे को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलते हैं अपने 8th क्वेश्चन पे। स्टूडेंट्स क्वेश्चन है सितंबर 2021 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने प्रगति की मीटिंग रखवाई। प्रगति क्या होता है स्टूडेंट्स? ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसके अंदर जो भी प्रोजेक्ट्स हमारी कंट्री में चल रहे हैं, क्या वो प्रोजेक्ट्स ठीक से चल रहे हैं, उसमें कोई देरी तो नहीं हो रही, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, उसके ऊपर बात की जाती है। हर प्रगति की मीटिंग में कुछ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स, जैसे 5-6 प्रोजेक्ट्स लेते हैं, उस पर बात करते हैं। तो ये सितंबर 2021 में जो प्रगति की मीटिंग रखवाई गई है, ये कौन सा वा एडिशन था? 34th, 35th, 38th या 31st? इन सितंबर 2021 प्राइम मिनिस्टर मोदी चेयर्ड विच एडिशन ऑफ द प्रगति मीटिंग? 34th, 35th, 38th या 31st? इसका स्टूडेंट्स बिल्कुल सही आंसर है कि सितंबर 2021 में प्रगति की 38th मीटिंग रखवाई गई हमारी कंट्री में, ठीक है। प्रगति की फुल फॉर्म भी होती है प्रो एक्टिव गवर्नेंस, गवर्नेंस मतलब जो काम गवर्नमेंट को करना होता है वो गवर्नेंस होती है, एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। इस बार की मीटिंग में स्टूडेंट्स, इस साल की मीटिंग में 8 प्रोजेक्ट्स के ऊपर बात की गई, जिसमें टोटल 50,000 करोड़ के जो प्रोजेक्ट्स हैं इनके ऊपर बात की गई। तो 38 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। आगे चलते हैं, 9वां क्वेश्चन है स्टूडेंट्स की हर साल इंटरनेशनल कॉफ़ी डे को कब ऑब्जर्व करते हैं? सितंबर के लास्ट थर्सडे को, अक्टूबर के 1st फ्राइडे को, 1st ऑफ अक्टूबर या 30th सितंबर को? कब होता है स्टूडेंट्स वर्ल्ड कॉफ़ी डे, इंटरनेशनल कॉफ़ी डे? मैंने आपको अभी बताया इंडिया में कॉफ़ी सबसे ज़्यादा बनती है कर्नाटका स्टेट में, फिर केरला, फिर तमिलनाडु। इस क्वेश्चन का स्टूडेंट्स बिल्कुल ही सही आंसर है कि असल में इंटरनेशनल कॉफ़ी डे ऑब्जर्व किया जाता है 1st ऑफ अक्टूबर को, ठीक है। तो इंटरनेशनल कॉफी डे स्टूडेंट्स हर साल 1st ऑफ अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जा रहा है 2015 से। चलते हैं हम अपने, बिल्कुल प्रशांत बिल्कुल,
चलते हैं स्टूडेंट्स अपने 10वें क्वेश्चन में। क्वेश्चन है हमारा करंट अफेयर्स कैटेगरी का आप लोगों के सामने। क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली बढ़ा दिया है टेन्योर। किसका टेन्योर? महानगर टेलीफोन टेलीफोन नगर निगम लिमिटेड। तो स्टूडेंट्स MTNL असल में BSNL के साथ ही काम करता है। BSNL बड़े BSNL जो है वो मेजरली पूरी कंट्री में काम करता है, MTNL बड़े शहरों में। अब तो चलो दोनों का बुरा हाल है, तो MTNL के जो CMD थे उनको एक और साल की एक्सटेंशन दे दी गई। CMD होता है चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर। तो ये गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन, तो गवर्नमेंट ने अप्रूवल दिया है कि हाँ इनको एक और साल रहने देते हैं। क्या नाम है CMD का? मनोज कुमार, प्रथमेश रायचूरा, नमिता विकास या पी के पुरवत? तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है कि MTNL के CMD जो थे, मतलब हैं, जिनको एक और साल की टर्म मिल गई, उनका नाम है पी के पुरवत। ठीक है, तो गवर्नमेंट एक्सटेंड्स एडिशनल चार्ज ऑफ पी के पुरवर एज MTNL CMD टिल अक्टूबर 2022। चलते अपने 11वें क्वेश्चन में। क्वेश्चन है सोशल स्टडीज का, आपसे पूछा जा रहा है हमारी कंट्री में रबर की प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कौन सी स्टेट में थी। इस तरह से रबर को रबर की प्रोडक्शन की जाती है। विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रबर इन इंडिया? मेघालय, तमिलनाडु, पंजाब या फिर केरला? तो स्टूडेंट्स हमारी कंट्री में सबसे ज़्यादा जो रबर की प्रोडक्शन करती है स्टेट, उसका सही आंसर क्या है? केरला। ये बहुत सालों से केरला ही है। बिल्कुल प्रशांत, पी के पुरवर बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, उनका नाम है विकास पी के, मुझे एग्जैक्टली फुल पता नहीं उनका नाम लिखा है कहीं पर, नहीं लिखा नहीं हुआ उनके नाम, नाम है उनका पी के पुरवर। आगे चलते हैं। ठीक है सुन, चलते हैं अपने 12वें क्वेश्चन में। क्वेश्चन है ये जो आधार कार्ड होता है, आपका जो आधार कार्ड होता है इसको मैनेज करती है UIDAI, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये आधार कार्ड में टोटल डिजिट कितने होते हैं? 8, 10, 12 या 13? कोशिश करो, ये तो आप अपने जेब से, अगर आपके फॉरेट में आधार कार्ड है वहाँ से भी देख के बता सकते हो कि आधार कार्ड में टोटल डिजिट कितने होते हैं। 8, 10, 12 या 13? रजत ये 6 है, वैसे 6 ये प्रोविज़न होती है कॉन्स्टिट्यूशन की। इसके लिए एक प्रोसेस होता है, अगर कोई स्टेट रखवाना चाहती है या फिर कोई स्टेट निकलवाना चाहती है, इसका पूरा प्रोसेस होता है। कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविज़न है, आप दो हाउसेज रखना चाहते हो स्टेट में, दो भी रख सकते हो। वैसे ज़्यादातर स्टेट्स सिंगल हाउस पे काम करती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है UIDAI। इसमें टोटल आपको डिजिट कितने मिलेंगे स्टूडेंट्स? 12। ठीक है, 12। और बिल्कुल वो चार चार के तीन सेट बन जाते हैं विकास, बिल्कुल सही। और स्टूडेंट्स रिसेंटली जो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन लॉन्च किया गया, उसमें जो हेल्थ कार्ड बनेगा उसमें 14 डिजिट होंगे, 14। ठीक है, चलो चलते हैं स्टूडेंट्स आज की क्लास के हमारे सेकेंड लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन है हमारी कंट्री के सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि ECLGS स्कीम को एक्सटेंड किया जाएगा, एमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम को एक्सटेंड किया जाएगा। स्टूडेंट्स वो स्कीम है जिसको लॉकडाउन में अनाउंस किया गया था। इस स्कीम का मेन मोटिव है कि बैंक लोन दे कंपनीज को, कंपनीज काम शुरू करें, इकॉनमी को फिर से स्टार्ट करें, बैंक्स के लोन की गारंटी सरकार लेगी ताकि बैंक्स को चिंता ना करना पड़े कि लोन अगर नहीं आएगा तो क्या वाक होगा, NPA ना ज़्यादा हो जाए। ठीक है, तो ये स्कीम की डेडलाइन बढ़ा दी गई है। अब किस डेट तक डेडलाइन बढ़ा दी गई, कोशिश करो। 31 मार्च 2022, 31 दिसंबर 2021, 31 जनवरी 2022 या फिर 31 अक्टूबर 2021? बिल्कुल रजत, CM विधान परिषद से भी हो सकते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली से भी। बिल्कुल बिल्कुल विकास, बिल्कुल प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन होती है इसकी। ठीक है, कि उसी प्रोविजन के हिसाब से किया जा सकता है। पहले कुछ स्टेट्स में होता था, उन्होंने हटवा दिया। जम्मू एंड कश्मीर में होता था, उसको UT में कन्वर्ट कर दिया, तो उनका वैसे बंद हो गया। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है कि इस स्कीम को एक्सटेंड किया जाए 31 मार्च 2022 तक। तो सेंटर एक्सटेंड एमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम टिल मार्च 2022। ठीक है स्टूडेंट्स, आज की क्लास का हमारा आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन है नहीं ऐसा नहीं है, वो मिनिस्टर CM मिनिस्टर नहीं होते। देखो अगर एक इंसान को CM बनाना है और वो मिनिस्टर नहीं है तो भी वो बन सकते हैं, बस उनको 6 महीने के अंदर कोई हाउस ज्वाइन करना है, जैसे महाराष्ट्र में हुआ था। उद्धव ठाकरे जब CM बने थे तब वो कोई मिनिस्टर नहीं थे, कुछ भी नहीं थे। ठीक है, वो पर 6 महीने के अंदर उन्होंने विधान परिषद को ज्वाइन किया। आई होप विकास ये चीज़ आपको क्लियर है। ठीक
ठीक है स्टूडेंट्स, आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन, दुनिया की वो कौन सी कंट्री है जिसने रिसेंटली अपनी करेंसी में से 6 जीरो ही निकाल दिए? क्यों? मैं आपको बताता हूँ क्यों उन्होंने 6 जीरो निकाले। आप लोग वैसे आंसर बिल्कुल सही बता रहे हो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है, इसका स्टूडेंट बिल्कुल सही आंसर है वेनेजुएला। ठीक है, इन्होंने किया क्या, देखो आप ये नोट देख रहे हो, इतने सारे नोट। अब एक नोट यहाँ पर कितने का है, 50,000 का एक नोट है, इनकी करेंसी थी बोलेवार। अब स्टूडेंट ये नोट पता है कितने हैं, जितना यूएसए का $1 है, बस $1 जितने ये नोट है। सोचो कितने मुश्किल होते थे, मतलब दूध का पैकेट यहाँ पर 50 लाख बुलेवार्स का था, 50 लाख बुलेवार्स का। अब इन्होंने क्या किया, 6 जीरो निकाल दिया, 5 बुलेवार का हो गया। मतलब अब बुलेवार के कुछ और यूज़ करेंगे, पर ये दुनिया में जिस कंट्री में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, हाइपर इन्फ्लेशन आ जाए, सुपर इन्फ्लेशन, और जहाँ पर करेंसी की वैल्यूएशन बिल्कुल ही डीवैल्यूड हो जाए, वहाँ पर ऐसा होता है। ऐसे तो देखो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का भी, मतलब ऐसे अलग से तो कंसेप्ट नहीं है, पर बनाते हैं डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, अब तो चल नहीं बनाते, पहले बनाते थे। प्रोविजन तो होती है, देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है, तब ये सब चीज़ें हम कर पाते हैं। पर हाँ कई बार थोड़ा लूप होल्स को भी यहाँ पर यूज़ करने की कोशिश की जाती है। ठीक है, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर तो आज के टाइम पर चलो सारे ही स्टेट्स बनाती ही बनाती हैं, बहुत ज़्यादा कम थी। तो इन्होंने क्या किया, 6 जीरो निकाल दिया। ऐसे आज से कुछ टाइम पहले ईरान ने भी किया था, उनकी भी करेंसी डीवैल्यूएट होकर इतनी कम हो गई थी कि छोटी मोटी चीज़ें भी हज़ारों की आने लगी थी, हज़ारों लाखों रुपए की। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी अपनी करेंसी में से 3 जीरो निकाल दी। तो उन्होंने अपनी करेंसी को ईरानियन रियाल से चेंज किया था, ईरानियन टोमान पे, इन्होंने भी अपनी करेंसी में ऐसे किया, 6 जीरो निकाल दी। ठीक है, और आपको मिलेगी कहाँ पर, वेनेजुएला साउथ अमेरिका में, और इनकी कैपिटल है कराकस। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके साथ आज की क्लास में जितने क्वेश्चन, जितने न्यूज, जितने टॉपिक स्टूडेंट्स मुझे कवर करने थे मैंने कवर कर लिए। मेरा पूरा हफ्ते का जो स्टूडेंट शेड्यूल है यहाँ पर लगा हुआ है, यूट्यूब प्लेटफॉर्म की क्लासेस, अन अकेडमी प्लेटफॉर्म की क्लासेस, डेली करंट अफेयर्स, मैप क्लास, रिविजन क्लास, बैंक योर इकॉनमी क्लास, फुल वीक करंट अफेयर रिविजन क्लास, ये यूट्यूब की सारी क्लासेज होती हैं, लेट्स क्रैक बैंक एग्जाम से स्टूडेंट्स, सारी क्लासेज को आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स अन अकेडमी प्लेटफॉर्म अभिनव जोशी आपसे पहले वहाँ जाकर मुझे फॉलो कर सकते हो। जितनी भी क्लासेस स्टूडेंट्स मैं अन अकेडमी प्लेटफॉर्म लेता हूँ, सबका लिंक आपको यहाँ से मिलना शुरू हो जाएगा। या फिर स्टूडेंट्स आप क्या कर सकते हो, बिल्कुल प्रशांत पीडीएफ स्टूडेंट्स आपको मिल जाएंगे इस टेलीग्राम चैनल से, सी ए बाय अभिनव जोशी अन अकेडमी। सारी क्लासेस के स्टूडेंट्स पीडीएफ और सारी क्लासेस के लिंक आपको स्टूडेंट्स इस एक टेलीग्राम चैनल से मिल जाएंगे, आप इसको बिल्कुल फॉलो कर सकते हो, सी ए बाय अभिनव जोशी अन अकेडमी। स्टूडेंट्स कोई भी कोर्स परचेज करना हो किसी भी ड्यूरेशन के लिए अन अकेडमी प्लेटफॉर्म से रेफरल कोड यूज़ कर सकते हैं ABHF50। एडिशनल 10% ऑफ आपको मिल जाएगा, सिर्फ बैंकिंग का कोर्स नहीं, कोई भी एग्जाम का कोर्स लेना हो आपको एडिशनल 10% ऑफ बिल्कुल यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, अन अकेडमी प्लेटफॉर्म स्टूडेंट्स एक रिपोर्ट और विन इनिशिएटिव चलता है, जिसके अंदर अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी भी एजुकेटर ने आपके सामने जो कंटेंट रखा है अगर वो किसी भी तरह से इनअप्रोप्रिएट है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उस कंटेंट को रिपोर्ट कर सकते हैं, वीडियो को रिपोर्ट कर सकते हैं, बदले में अन अकेडमी आपको अवार्ड भी जरूर देता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, आई होप आपको स्टूडेंट्स ये क्लास अच्छी लगी, आपका जो पूरा हफ्ते की रिविजन है वो अच्छे से हुई। अब स्टूडेंट्स आप में से जो लोग तो लेट्स क्रैक बैंक एग्जाम्स में आएंगे, तो उनको तो मैं कल ही मिल लूँगा डेली करंट अफेयर्स की क्लास में, कल सुबह 10 से 11। जो लोग वाईफाई स्टडी पे उनको मैं मिलूंगा अगले सैटरडे शाम को 4 बजे रिवीजन क्लास, और अगले संडे दिन में 12 बजे फुल वीक रिवीजन क्लास। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, तब तक के लिए थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ वेरी सक्सेसफुल डे, मिलते हैं अपनी अगली क्लासेस के अंदर। अगर स्टूडेंट्स आपको क्लास अच्छी लगी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो, उसको शेयर भी कर सकते हो। मिलते हैं स्टूडेंट्स अपनी अगली क्लास में, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन।